दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों ज्योग्राफी के इस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस में जिसमें कि महेश वर्णवाल की बुक को बेस बनाया गया है और भी वेरियस अदर जो सोर्सेज हैं उनसे मटेरियल आपके सामने कलेक्ट करके इकट्ठा करके सर्व किया जा रहा है। इसमें हमने चैप्टर नंबर 18 तक कम्प्लीट किया था, अपनी जर्नी को हमने वहाँ तक पूरा किया था। अभी ये यात्रा अधूरी है और इसमें चैप्टर नंबर 19 आपके सामने है। इसी क्रम में हम लोग लगातार आगे चलेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देखेंगे इकोसिस्टम की और उसके बाद एनवायरनमेंट से उसे जोड़कर यहाँ उसकी स्टडी करेंगे। देख लीजिए, एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद अ फिजिकल एनवायरनमेंट। ये जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है किसी भी यूनिट का, मतलब इसमें सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें शामिल किया गया है, ये उस एरिया के जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, मतलब उस क्षेत्र का जो फिजिकल यानी भौतिक पर्यावरण होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, उसके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। सो दैट अ फ्लो ऑफ एनर्जी, इससे क्या होता है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है नीड्स टू क्लियरली डिफाइन, उसकी परिभाषा यहाँ पे एक तरह से जो क्लियरली डिफिनीशन उसकी है वो आवश्यक हो जाती है। तो यहाँ देख लीजिए इसकी डिफिनीशन, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइकिल विद इन द सिस्टम इज कॉल्ड एन इकोलॉजिकल सिस्टम। यह जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं या इसी को हम लोग संक्षिप्त तौर पर कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की ये बड़ी सी डिफिनीशन है जिसमें यही कहा गया है कि जो किसी भी यूनिट में, मतलब एनी यूनिट दैट इंक्लूड्स, कोई भी ऐसी यूनिट हो, कोई भी ऐसा प्रक्रम हो जिसके अंदर सभी प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं उस एरिया के जो भौतिक पर्यावरण है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हों और वहाँ जो एनर्जी का फ्लो है, वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, उसको इस सिस्टम में रखकर डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। और ये जो पूरा कंप्लीट सिस्टम बनता है जिसमें कि ट्रॉपिक स्ट्रक्चर होता है, बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब बायोटिक डाइवर्सिटी होती है, और इसके अलावा मटेरियल साइकिल होता है, इन सब को हम लोग कंबाइंडली यहाँ पर कहते हैं इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम। ये तो डिफिनीशन हुई। अब इसके बाद यहाँ जो आप फिगर देख रहे हैं ये उसी से जुड़ा हुआ है। इसमें ए बी और बी दो सिंबल यूज़ किए गए हैं जिसमें ए बी का मतलब है एबायोटिक यानी ये अजैविक है और बी का मतलब है बायोटिक। पर्यावरण में दोनों प्रकार के जो कंपोनेंट होते हैं वो पाए जाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। अजैविक घटक जीवधारियों के लिए भोजन या आवास उपलब्ध कराते हैं, उनके रहने के लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण करते हैं, और जितने भी बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं या बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वह यहाँ जीवधारियों के रूप में निवास करते हैं। इसमें मनुष्य भी है, इस प्रकार के बहुत सारे जीव हैं, वनस्पतियाँ भी इसी में आती हैं। तो फ्लोरा और फौना वाला जितना भी पोर्शन है वो सब बायोटिक में आता है और जितना भी जलवायु संबंधी कारक है या वहाँ का जो उच्चावच है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, वो सब एबायोटिक में आता है। उसका आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है इसको दर्शाया गया है। ये यहाँ पर आप जो इक्विलिब्रियम वाला साइन देख रहे हैं, ये जो एरो आप देख रहे हैं, एक बार एरो इधर गई है और उसके बाद एरो को इधर रिवर्स कर दिया गया है। ऐसी जब कंडीशन बनती है तो ये साम्य की कंडीशन होती है, यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया है। तो यहाँ भी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो लगातार अप्लाई हो रही है और ये चित्र उसी को दर्शाना चाह रहा है। ए बी का मतलब जहाँ जहाँ इस फिगर में ए बी लिखा हुआ है उसका मतलब है एबायोटिक और जहाँ बी लिखा हुआ है उसका मतलब है बायोटिक। तो ये फिगर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं। तो देख लीजिए, द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्रिएट एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का निर्माण कैसे होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका निर्माण बहुत सिंपल है, जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनका आपस में अभिक्रिया होती है, मतलब इंटरेक्शन होता है, और नतीजे के रूप में जो तंत्र निर्मित होता है, मतलब जिस तंत्र का वहाँ निर्माण होता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स। यहाँ पर जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम तीन भागों में बांटकर देखते हैं। ये आपने एनवायरनमेंट में डिटेल में देखा है लेकिन यहाँ पर उसे संक्षिप्त तौर पर दर्शाया गया है। जो इसमें पहला वेरायटी होती है वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, दूसरे कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो अपघटक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। इन तीनों के बारे में मतलब इसमें दिया हुआ है और ऐसे ही इन्हें क्लासीफाइड करके देखते हैं। ये हमने बायोटिक कंपोनेंट का डिवीज़न किया। अब इसमें इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए, प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हु रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। अब इसमें जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं प्रायः, अधिकतर जो उत्पादक वाला दायरा आता है या क्षेत्र आता है उसमें वनस्पतियाँ ही होती हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस होता है
उसमें सनलाइट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वह सबसे अनिवार्य तत्व माना जाता है। तो यहाँ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वह सनलाइट को बतौर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर क्लोरोफिल नाम का जो हरे रंग का वर्णक होता है, ये हरे रंग का पदार्थ होता है, इसी वजह से पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। तो इस क्लोरोफिल की सहायता से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और उसके नतीजे के रूप में इन्हें भोजन प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसका जो सबसे मेन सोर्स है वो क्या है, सनलाइट है। ये तो हम जानते ही हैं, बहुत बेसिक चीज़ है। सम ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर ग्रासेस ट्रीज एंड मॉसेस। यहाँ ये कहा गया है कि कुछ मेजर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ कुछ लोगों का नाम लिया गया है, जैसे कि ग्रासेस हैं यानी घास, इसके अलावा पेड़ तो रहेंगे ही, पेड़ इसमें अभिन्न रूप से शामिल रहेंगे, इसके अलावा मॉसेस हैं। ये सब क्या है, ये जो नाम दिए हुए हैं ये प्रोड्यूसर्स के नाम हैं जो कि टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम होता है उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो स्क्रब्स होती हैं वो भी है इसमें। वेयर एज फाइटोप्लैंकटन्स इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये तो जो स्थलीय पारितंत्र था, मतलब जो जमीन का हिस्सा था, लैंड एरिया था, वहाँ पर प्रोड्यूसर्स की बात हुई। लेकिन समुद्र में पौधे तो उग नहीं सकते, मतलब जो पौधे हम जमीन पर देखते हैं उस प्रकार के पौधे तो जम नहीं सकते। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो कि भोजन बनाने का काम करती है, मतलब प्रोड्यूसर का काम करती है? तो फाइटोप्लैंकटन्स जो होते हैं समुद्र वाले ऑर्गेनिज्म में, मतलब जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, जलीय पारितंत्र होता है, उसमें फाइटोप्लैंकटन्स वही भूमिका निभाते हैं, ठीक वही काम करते हैं जो हरे पौधे जमीन पर करते हैं। हर्बेरियस डिपेंड अपॉन डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जितने भी यहाँ पर जीव होते हैं जो कि इन प्लांट्स पर, मतलब इन फाइटोप्लैंकटन्स पर, या जो स्थल पर पाए जाने वाले वनस्पतियाँ हैं, पौधे हैं, उन पर डिपेंड होते हैं, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। कंज्यूमर्स की भी अलग अलग वेरायटी होती है, आप जानते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्शियरी होते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वह इन जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब वनस्पतियाँ हैं, इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। वेयर एज कार्निवोर फीड ऑन एनिमल्स एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर जो एबायोटिक कंपोनेंट है इसके बारे में कहा गया है, यहाँ तक तो हमने बायोटिक के बारे में चर्चा की है। जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसमें ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो भी आते हैं, और इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी इसमें शामिल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, इसमें कार्बन की उपस्थिति होगी, कार्बन यहाँ प्रेजेंट होगा, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन की एग्जिस्टेंस नहीं पाई जाएगी। कार्बन के बिना जितने भी चीज़ें हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक है, और कार्बन जिसमें शामिल है वो क्या है, ऑर्गेनिक है। तो यहाँ तक हमने शॉर्टकट में जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर का फंडा था उसको देखा। इसके साथ साथ हमने इकोसिस्टम को समझने का प्रयास किया। तो इकोसिस्टम में यही होता है कि बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उनके बीच में अभिक्रिया होती है, और नतीजे के स्वरूप में वहाँ पर ऊर्जा भी निकलती है, ऊर्जा का उपयोग होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर वाले स्तर में हम बढ़ते हैं, मतलब मान लीजिए कोई खाद्य श्रृंखला है, कोई फूड चेन है, उसमें हम जब ऊपर वाले लेवल में बढ़ते हैं, नीचे से हम जब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जो ऊर्जा है उसका लगातार ह्रास होगा, उसमें कमी आएगी। तो इकोसिस्टम में या जो भी इस तरह का बायोम होता है उसमें ऊर्जा का निरंतर ह्रास होता है, ये एक बड़ी बात है, ये हमने देखा। अब आगे उसी के बारे में चर्चा है। तो यहाँ देख लीजिए, फूड चेन और फूड वेव, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। बस ये समझ लीजिए कि जो फूड चेन है वो छोटा रूप है, वो संक्षिप्त रूप है, और जो फूड वेव है वो उसी का बड़ा और उलझा हुआ रूप है, ये काफ़ी ज़्यादा जटिल होता है। जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरेक्शन करने लगती हैं, आपस में उनकी परस्पर क्रिया होने लगती है, अन्योन क्रिया होने लगती है, तो इसका नतीजा ये होता है कि वो फूड वेव बना लेती हैं, मतलब वहाँ पर पूरा जाल बन जाता है। तो फूड वेव इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप विथ, यहां पर आप देख लीजिए, देखिए, फूड वेव इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप विथ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। यहां पर ये क्या है, जो फूड वेव है, फूड वेव हो या फूड चेन हो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ग्राफिकल तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, और इसमें जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भरता है, या भोजन के लिए आपस में जो पारस्परिक संबंध जीवों का होता है उसको दर्शाया जाता है। और ऐसा कहाँ पर होता है, जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी होती है उसमें ये पाया जाता है। दिस हेल्प अस, यहाँ आप दूसरी वाली लाइन में देख रहे हैं, दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। यह जो है, मतलब फूड वेव हो या फूड चेन हो, यह हमें यह समझने में सहायता करता है
कि एनर्जी का ट्रांसफर यानी ऊर्जा का स्थानांतरण कितना यहाँ पर डायनेमिक है, उसमें लगातार बदलाव आते हैं, वह स्थिर नहीं होता। एनर्जी का यहाँ लगातार ह्रास होता है, उसमें डिक्रीजमेंट होता है। ये चीज़ें हमें समझने में सहायता मिलती है। इन अ टिपिकल इकोसिस्टम ईच ऑर्गेनिज्म कैन ईट मल्टीपल थिंग्स एंड कैन बी ईटन बाई मल्टीपल थिंग्स। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, उलझी हुई चीज़ें हैं। ये कहा गया है कि किसी भी टिपिकल इकोसिस्टम में कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, वहाँ पर प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है वह अनेक चीज़ों को खाता है। मतलब जो जीव होते हैं वो विभिन्न तरीके से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, और वह भी मतलब जो जीव इन भोजनों को खाते हैं उनको खाने वाले दूसरे बड़े जीव होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हरे पौधे हैं, और प्रोड्यूसर्स को खाने वाले शाकाहारी जंतु होते हैं, जैसे कि मवेशी या जो कैटल्स होते हैं। अब इन मवेशियों को या छोटे छोटे जो जीव हैं जैसे रैबिट्स हैं या जो फॉक्स होती हैं, इनको खाने वाले बड़े जीव होते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सर्वाहारी होते हैं, जैसे कि मनुष्य है, ये सर्वाहारी जीवों में आते हैं। तो ये दोनों खाते हैं, मतलब ये वनस्पतियों पर भी निर्भर रहते हैं और मांस पर भी डिपेंड रहते हैं, मतलब वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे को खाने का क्रम ये भी चलता रहता है, इस माध्यम से भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और इसके अलावा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी खा के ये अपना पेट भरते हैं। तो इस तरीके से बनती है एक खाद्य श्रृंखला। और जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएँ यानी फूड चेन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो ऐसे फार्मेशन होता है खाद्य जाल का। ये हमने देखा यहाँ, और बाई फिगर इसे यहाँ दर्शाया गया है, इसे आप देख लीजिए, बहुत धुंधला फिगर है, इसे जूम कर लेते हैं ज़रा, देखिए। यहाँ पे प्लांट्स हैं, इसके बाद इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट के बाद फ्रॉग है, फ्रॉग के बाद स्नैक है, और स्नैक के बाद वॉल्चर है। पहले क्या है, प्लांट्स हैं मतलब हरे पौधे हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं। अब जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो इन पौधों की पत्तियों को या घास की पत्तियों को खाकर अपना पेट भरते हैं, और उन कीड़ों का भोजन मेंढक करता है, मतलब कीड़ों को खाने वाला जो प्राणी है वो मेंढक है। तो यहाँ प्रोड्यूसर कौन हुआ, यहाँ हरे पौधे जो है ये प्रोड्यूसर हुए। इसके बाद जो प्राइमरी यहाँ पे कंज्यूमर है वो इंसेक्ट्स हुए, ये प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पे देखे जाते हैं। इसके बाद ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो है मतलब फ्रॉग माने मेंढक। तो मेंढक कीड़े मकोड़े खाता है, और उसको भी खाने वाला सांप होता है, हालांकि सांप मेंढक को खाते नहीं है, सिर्फ घायल कर देते हैं फिर भी। तो सांप जो है वो मेंढक को खाते हैं, और सांप को खाने वाले जो वॉल्चर होते हैं वो होते हैं, यहाँ ये दिया हुआ है। इस प्रकार से हम चीज़ें देखते हैं, और सबसे नीचे आप रोडेंट्स को देख रहे हैं। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, या ये कह लीजिए कि एक साइकिल है, जिसके द्वारा एक दूसरे पर निर्भरता, जो आपस में डिपेंड रहने की प्रकृति है, उसी वजह से रिलेशनशिप ही होती है, तो उसको दर्शाया गया है। आगे चलते हैं और इसे ज़रा जूम आउट कर लेते हैं। आप देखिए, इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ अनडायरेक्शनल एंड इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह यानी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वह यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ प्रोनाउंशिएशन गलत हो गया था, यूनिडायरेक्शनल होता है एंड इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, मतलब ये एक दिशा में होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या, एक दिशा में इसका प्रवाह होता है, किस चीज़ का, एनर्जी का। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का जो प्रवाह है वो एक दिशीय होता है, वो रिवर्स नहीं होता, इसमें रिवर्स वाला प्रोसेस नहीं होता। या होता भी है तो पहले जो हम लोग इसका ढांचा तैयार करते हैं, इसका ग्राफिक तैयार करते हैं, तो उसमें हम यूनिडायरेक्शनल इसे बताते हैं, एंड इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, और यह अलग अलग जो ट्रॉपिक लेवल है उन पे अलग अलग पाया जाता है, इसमें विभिन्नता होती है, ये कहने का मतलब है। द प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बींग ईटन इज कॉल्ड अ फूड चेन। यहाँ ये कहा गया है कि जो फूड ट्रांसफर का प्रोसेस है, भोजन के स्थानांतरण का जो प्रक्रम है, यानी फूड ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, वो यहाँ पर शुरू होता है कहाँ से, हरे पौधों से स्टार्ट होता है। हरे पौधे पहले क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर उनको खाने वाले शाकाहारी जीव होते हैं, उसी को यहाँ दर्शाया गया है। उन शाकाहारियों को भी कोई दूसरा जीव खाता है, और उस दूसरे जीव को भी कोई तीसरा खा लेता है। ऐसे ही ये फूड चेन लगातार आगे बढ़ती है, और इसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशा में होता है, और इसमें लगातार कमी आती है। जैसे जैसे हम ऊपर वाले लेवल में बढ़ते हैं, खाद्य पिरामिड को आपने देखा होगा, जो फूड पिरामिड होता है उसमें ऊपर की तरफ जो उसकी कैनोपी होती है, चोटी होती है, वो सकरी होती है, नैरो होती है। वहाँ पर जाते जाते जो जीव हैं उनकी संख्या भी कम हो जाती है, और वहाँ एनर्जी की जो मात्रा है वो भी काफ़ी कम मात्रा में पहुँचती है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो एनर्जी का अमाउंट है वो घटते घटते काफ़ी कम हो जाता है, इसे हमने देखा। यहाँ आप देख लीजिए,
एनर्जी का जो फ्लो होता है वो एसाइक्लिक होता है। किस चीज़ का फ्लो कैसा होता है, मतलब किस चीज़ का प्रवाह इकोसिस्टम में किस प्रकार का होता है, ये दर्शाया गया है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी एसाइक्लिक होता है, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण या पोषक पदार्थों का जो फ्लो होता है वो साइक्लिक होता है, उसमें पुनर्चक्रण की घटना होती है, वो फिर से रिवर्स हो सकता है, लेकिन एनर्जी का जो फ्लो होता है वो एसाइक्लिक होता है। इसके अलावा एनर्जी ट्रांसफर रिकॉग्निशन रेंजेस फ्रॉम 5% टू 20%, ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं। कुल मिलाकर यहाँ ये समझने वाली बात है, ऐसे प्रश्न बनते हैं तो यहाँ ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बड़ी बात है, और इसमें फिर रिवर्स वाला प्रोसेस नहीं होता, इसे हमने देखा। इसके बाद जो अगली हेडिंग है उसमें ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम को हम देखेंगे, मतलब मानव का या मनुष्य जाति का इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ रिच टू डेंजरस लेवल, मतलब यहाँ पर क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो एक तरह से इस्तेमाल कहा जा सकता है या दोहन आप कह सकते हैं, बहुत बुरे तरीके से अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसे दोहन कहा जाता है। तो यह जो दोहन है, मतलब बुरे तरीके से या बड़े पैमाने पर जो उपयोग है, यह डेंजरस लेवल तक पहुंच गया है आज के समय में। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है यानी औद्योगिक क्रांति है, उसका नतीजा ये निकला है कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधन है, उनका उपयोग होने लगा है बिना ये सोचे कि भविष्य में वो हमें कहाँ से मिलेंगे, उसे बेहिसाब तरीके से खर्च किया जा रहा है। बिकॉज एज अदर एनिमल्स आर टोटली डिपेंड एंड कंट्रोल बाई द नेचर एंड हैज़ बोथ द एबिलिटी टू इफेक्ट एंड आल्टर द नेचर, यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन द प्रेशर ऑन द इकोसिस्टम पिरामिड हैज़ आल्सो इंक्रीज, यहाँ पर क्या हो रहा है, मनुष्य की आबादी तेजी से बढ़ रही है ये हम जानते हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उस पर लगातार आबादी का दबाव, मनुष्य की आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है। एंड द फूड चेन हैज़ बिकम इम्बैलेंस, और इससे खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो गई है। तो सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज करने से ही फूड चेन इम्बैलेंस नहीं हुई है, इसमें यह भी कारण जिम्मेदार है कि मनुष्य जो है वो बड़े पैमाने पर ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें अपने तरीके से यूज़ कर रहा है और उसका मिस यूज ज़्यादा कर रहा है, जो सार्थक उपयोग है वो कम हो रहा है। तो संसाधन तेज़ी से कम हो रहे हैं और जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से इंक्रीज कर रही है, और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड है या इकोसिस्टम ही है पूरा, वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जा रहा है, उसमें जो बैलेंस है वो ख़राब हो जा रहा है, ये हमने देखा। और देख लीजिए दीज हेजॉर्डियस एक्टिविटीज़, यहाँ पर जो ये विनाशकारी गतिविधियाँ हैं या क्रियाकलाप हैं, हैव ब्रॉट अबाउट एन इम्बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। अब इकोसिस्टम अगर इम्बैलेंस होगा, मतलब उसमें जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो इसका नतीजा क्या होगा, जो पर्यावरण है वो भी अस्थिर हो जाएगा, उसमें भी गड़बड़ियाँ आएंगी, तरह तरह की विनाशकारी चीज़ें आएंगी। तो ये जो हैजार्डियस एक्टिविटीज़ हैं इनका परिणाम यही निकलता है कि पूरा इन्वायरमेंट ही यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, ये हम जानते भी हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं विच कैन बी व्यूड बाई डिवाइडिंग इंटू दीज ब्रॉड कैटेगरीज, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो ब्रॉड कैटेगरी है उसमें बांटकर देखी गई हैं। अब जो कैटेगरी है वो क्या है, तो देखिए प्रॉब्लम लिट यहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब मनुष्य की जो एक्टिविटीज़ हैं, विनाशकारी गतिविधियाँ हैं, उसके नतीजे के स्वरूप में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट हो रही हैं, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंड सर्फेस, ये जो लैंड सर्फेस है इससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएँ हैं उनको देख लीजिए। दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन, सॉयल इरोजन, सॉयल लैंड पॉल्यूशन, एसिडिटी ऑफ सॉयल, इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर लेवल है यानी जो भूमिगत जल है उसका नीचे जाना, यह सब समस्याएं ये लैंड एरिया में हो रही हैं, लैंड सरफेस पर हो रही हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, मनुष्य की विनाशकारी गतिविधियों से या बेहिसाब तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल से, जो लैंड एरिया है वहाँ खड़ी होने वाली प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी चीज़ तो है निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन, जंगल तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं और हम ही उन्हें काट रहे हैं, तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। इसके अलावा सॉयल इरोजन हो रहा है, तो जंगल कटेंगे तो सॉयल इरोजन होगा ही, पौधों की या पेड़ों की जड़ें मिट्टियों को बांध कर रखती हैं और बहने नहीं देती, अगर जंगल बड़े पैमाने पर कट रहे हैं या और भी जो गतिविधियां हैं वो हो रही हैं, तो उससे मिट्टी का अपरदन हो रहा है, मिट्टी अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जा रही है। और इससे पहले सॉयल वाला जो चैप्टर था उसमें आपने देखा था कि मिट्टी की एक परत बनने में, सॉयल की एक लेयर को पूरी तरह से कम्प्लीट होने में, बन जाने में बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए अगर वो नष्ट होती है तो ये चिंता की बात है, उसे बनने में बहुत लंबा समय लगता है, और एक बार अगर वो अपनी जगह छोड़ देती है तो वहाँ पर अपरदन की क्रिया बहुत तेज होने लगती है,
ये घटनाएं, इसके अलावा मृदा प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। जितने अपशिष्ट होते हैं या केमिकल जो कचरे होते हैं उनको मृदा पर डंप किया जाता है, फेंका जाता है, और इसका नतीजा क्या होता है, मिट्टी पूरी तरह से बंजर या बेकार अवस्था में पहुंच जाती है, उसकी जितनी भी उत्पादकता है वो नष्ट हो जाती है, और लैंड पॉल्यूशन भी उसी में आता है। यहाँ पे एसिडिटी ऑफ सॉयल मतलब मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है, और आप जानते हैं कि जो अम्लीय मृदा होती है जिसमें एसिडिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब एसिडिक सॉयल होती है, उसके अंदर कुछ भी आसानी से उगता नहीं है, वो उपजाऊ नहीं होती, तो मिट्टी का उपजाऊपन इससे कम होने लगता है या ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो तेज़ी से नीचे जा रहा है, ये तो हम जानते ही हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ गर्मी के मौसम में नीचे का पानी अपना लेवल छोड़ देता है, वहाँ के हैंडपम्प बेकार हो जाते हैं, या जो जिन लोगों ने समरसेबल पंप की बोरिंग करवा रखी है उन्हें दूसरी जगह खुदवाना पड़ता है। इस प्रकार की गंभीर समस्याएं दिखाई देती हैं। तो इसके पीछे जिम्मेदार कारण क्या है कि बेहिसाब तरीके से जो भूमिगत जल है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ जितनी आवश्यकता है उससे दुगना चौगुना पानी वहाँ उड़ेला जा रहा है, और इससे पानी की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर सही समुचित इस्तेमाल किया जाए तो जो भूमिगत जल है या उसका जो स्टोरेज है वो अभी इतना भी कम नहीं है, लेकिन जितना भी मिसयूज किया जाता है उस वजह से उसके तेजी से ख़त्म होने का खतरा सामने दिखाई दे रहा है, ये हम देखते हैं। अब इसके बाद प्रॉब्लम रिलेटेड टू एटमॉस्फियर, जो वायुमंडल है उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो क्या हो सकती हैं। ये मानवीय क्रियाकलाप जो हैं, मतलब मनुष्य की जो हैजार्डियस एक्टिविटीज़ हैं, उसका नतीजा दिखाया जा रहा है, उसका परिणाम क्या हो सकता है या उससे कौन सी समस्याएं यहाँ आ सकती हैं। तो देखिए दूसरा वाला प्रॉब्लम रिलेटेड टू एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है। तो ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जीवाश्म ईंधन का बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े हिसाब में यूज़ किया जा रहा है। जीवाश्म ईंधन का मतलब वही पेट्रोलियम से बनने वाले जितने प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, या इस तरह के जितने भी पदार्थ हैं, तो वो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉसिल्स से उनका निर्माण हुआ है। बहुत सारे मरे हुए जीव जंतु और पौधे ये सब मिट्टी के अंदर दब गए और करोड़ों साल का समय लगा और ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, और वही पेट्रोलियम जो है वो एनर्जी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। जिस भी देश के पास है वो दुनिया में सबसे अमीर है। ये चीज़ें हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल जो होता है ये है तो अच्छा और एनर्जी का एक बढ़िया स्रोत भी है, लेकिन एक तो इसकी मात्रा सीमित है, और दूसरी चीज़ इसको जलाने से बड़े पैमाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो यहाँ पे रिलीज़ होते हैं, और ये पर्यावरण में खासतौर पे जो वायुमंडल होता है उसके लिए विनाशकारी होते हैं। हवा को ये बड़े पैमाने पर प्रदूषित कर देते हैं, और एक बार जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है उनका फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे सेकेंडरी बनने लगते हैं। सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे ओजोन हो गई तो इसका फॉर्मेशन जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है उन्हीं से होता है। तो इस प्रकार से जो प्रदूषण की घटना है वो यहाँ बढ़ने लगती है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये किससे रिलेटेड है, ये एटमॉस्फियर से जुड़ी हुई है, यहाँ आप देख भी सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल के बेहिसाब उपयोग से ये समस्या गंभीर हो गई है। इसके अलावा जो रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी तेज गति से निर्वनीकरण हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, वह भी इस एटमॉस्फियर के पॉल्यूशन में योगदान दे रहा है, या उनसे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है उन्हें क्रिएट कर रहा है। कैसे? तो आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं या वृक्ष होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बदले में रिलीज करते हैं। अगर उनकी संख्या कम हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है पूरे दुनिया में एटमॉस्फियर में वो बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी बात आप जानते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ये एक तो पहली चीज़ है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, और दूसरी चीज़ कि ये ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से सन की जो लाइट होती है या उसका जो टेम्परेचर होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज़ करेगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का खतरा यहाँ सिर पर आ जाएगा, और आ भी गया है। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन से इसका जो दूरगामी परिणाम है वो यही है। और एक बार अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ गति से होने लगे, अभी इसकी रफ्तार धीमी है, फिर भी अगर इसने एक बार रफ्तार पकड़ ली तो जितने भी ग्लेशियर हैं वो एक के बाद एक पिघलना शुरू होंगे। पिघलने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी स्टार्ट हो गई है। आपने देखा होगा जो अंटार्कटिक और आर्कटिक वाला पोर्शन है वहाँ पे जो बड़े बड़े सिल्लियाँ हैं बर्फ़ की, ग्लेशियर्स हैं, उनमें दरारें आ गई और वो अब अलग होने वाले हैं, मतलब उनमें अलग होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए, वहाँ हरियाली बढ़ रही है, ये एक मज़ेदार बात है। जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ हरियाली अब बढ़ रही है, हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वनस्पतियाँ उगेंगी, और इसके पीछे जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हरे पौधों का बढ़ना ये तो खुशी की बात है, लेकिन वहाँ की जो संपदा थी, मूल वहाँ का जो धन था वो क्या था? बर्फ़ थी। बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है
और उसके तेज गति से पिघलने से जो ओशियन है उसका लेवल अपने आप इंक्रीज करेगा, मतलब उसमें पानी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो आइसबर्ग होते हैं वो बड़े पैमाने पर ताजे पानी का भंडार होते हैं, तो उनकी उनके पिघलने से एक ताजे पानी का बड़ा जो रिसोर्स है वो आगे समुद्र में मिलेगा और समुद्र का स्तर बढ़ेगा, और स्तर बढ़ने पर आप जानते ही हैं क्या होगा, डूबने की घटना होगी, सब लोग डूब कर मरेंगे। तो ये सब समस्याएं हैं और मनुष्य के द्वारा ही इन्हें उत्पन्न किया गया है, खड़ा किया गया है। और भी देख लीजिए, इसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस है और ट्रिमेंडियस इंक्रीज इन यूज ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो यातायात के साधन है उनमें बड़े पैमाने पर, बहुत भारी पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। कोई भी आदमी पैदल नहीं चलना चाहता, और पैदल न चलना चाहे वहाँ तक तो गनीमत है, साइकिल से भी नहीं चलना चाहता, उसे मोटरसाइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक से भी बेहतर अगर और पैसा हुआ तो चार पहिया वाहन चाहिए, चार पहिया वाहन से भी मन नहीं भरा तो उसके बाद दो चार और खरीद लिया, नया कोई कार का मॉडल आया तो लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो जिस अमाउंट में जिसके पास संपदा है उस हिसाब से वो यातायात के लिए अपना निजी वाहन रखते हैं। अगर जो सार्वजनिक वाहन है, जो सरकारी वाहन चलते हैं या मतलब पूरे पब्लिक एरिया में चलने वाले साधन हैं, उनका यूज़ किया जाए तो जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन हर आदमी के पास अगर सोच लीजिए अपनी कार है तो सबके अंदर फॉसिल फ्यूल होगा, और वो फॉसिल फ्यूल एक साथ जब रिलीज़ होगा तो बड़े पैमाने पर यहाँ जो पॉल्यूशन का प्रोसेस है वो खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए निजी वाहनों का प्रयोग जब बढ़ रहा है तो इससे ये खतरा मंडरा रहा है, यह भी यहाँ जिम्मेदार है। वर्ल्ड क्लाइमेट मतलब जो वैश्विक जलवायु है, हैज़ रजिस्टर्ड एम्पल चेंजेस। यहाँ पर जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है, पूरे वैश्विक जलवायु को बड़े पैमाने पर परिवर्तित होते देखा जा रहा है। इसमें जो परिवर्तन है वो बहुत तेज हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये चिंता की बात है। तो हमने दो चीज़ें तो देखी, एक तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू लैंड सर्फेस, मतलब लैंड सर्फेस से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी, मतलब मनुष्य के क्रियाकलापों से जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उनको हमने देखा। उसके अलावा जो प्रॉब्लम यहाँ पे एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई क्रिएट हो रही थी उसको भी हमने देख लिया। अब जो इसमें एयर पॉल्यूशन वाली घटना थी उसमें आप ओजोन होल को देख लीजिए, ओजोन छिद्र जो है इसके बारे में हमने सुना भी है। तो ओजोन लेयर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, ये जो समताप मंडल होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, कई परतें पाई जाती हैं, कई लेयर्स होती हैं, सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर वाली जो रेंज होती है उसमें सबसे जो अपर लिमिट होती है उसमें, या अपर पार्ट आप कह लीजिए, वहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। और ये क्या करती है, तो ये सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, और ये अल्ट्रावायलेट रेज मनुष्य के लिए या जितनी भी जीव जातियाँ हैं उनके लिए हानिकारक है। अल्ट्रावायलेट रेज मे कॉज स्किन डिजीजेस, मतलब ये अगर पृथ्वी तक सही मात्रा में पहुँचने लगी, ज़्यादा मात्रा में पहुँचने लगी, तो इसके परिणाम स्वरूप जो त्वचा के रोग हैं, स्किन की डिजीजेज हैं वो यहाँ पर होंगी। और इसके अलावा ब्लाइंडनेस हो सकती है, आँख का लेंस खराब हो सकता है। सूर्य का प्रकाश एक लिमिट तक ही अच्छा होता है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा पैमाने पर देखी जाए या उनको अपने ऊपर झेला जाए तो विभिन्न बीमारियाँ यहाँ से निकल कर आती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं चमड़ी की जितनी भी त्वचा वाली बीमारियाँ होती हैं, और ब्लाइंडनेस यानी अंधापन हो सकता है। मोतियाबिंद की जो ज़्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे भी ये अल्ट्रावायलेट रेज काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। एंड कैन आल्सो गिव एब्जर्ब इम्पैक्ट, इनका जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर और क्लाइमेट पर बढ़ रहा है, मतलब ये क्लाइमेट और एग्रीकल्चर दोनों पर अपना एडवर्स इफेक्ट डाल रही है। तो ओजोन परत के नष्ट होने से, ओजोन परत ये स्ट्रेटोस्फीयर में जो अपर पार्ट है वहाँ उपस्थित है, इसकी उपस्थिति है, और इसमें एक छेद बन गया है, ये आप जानते ही हैं, यह छेद अंटार्कटिका के ऊपर बना हुआ है और कई जगह से ये पतली हो रही है, इसमें जो इसकी थिकनेस है वो कम होती जा रही है, और उसका नतीजा यही है कि अगर ज़्यादा मात्रा में इसमें छेद बनता है या बड़े पैमाने पर जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो इसको तोड़ फोड़ कर इसके छेद के द्वारा अंदर आ जाती है, तो अर्थ के सरफेस पर पहुँचने पर जितनी भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उसको ये नुकसान पहुँचाएंगी। अल्ट्रावायलेट रेज मनुष्य के लिए या अन्य जीवों के लिए हानिकारक है, एक तो ये आँखों के लिए नुकसानदेह है, दूसरी चीज़ त्वचा के लिए, और जो दूरगामी रोग होते हैं जैसे कि कैंसर हो गया, इस प्रकार की जो बीमारियाँ होती हैं, ट्यूमर हो गया, वह भी इनके लिए मतलब इनकी वजह से हो सकती है, ऐसी समस्या है। ओजोन लेयर फिल्टर्स अबाउट 70-90% ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। जो ओजोन लेयर है वो छानती है, ये एक तरह की छन्नी है, और ये छानने का काम करती है किस चीज़ को, अल्ट्रावायलेट रेज को, कितना, तो 70-90%, 70-90% जो सूर्य के द्वारा आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है उनको ओजोन लेयर यहाँ पे फिल्टर कर लेती है। इट वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय फारमैन इन 1973 ओवर अंटार्कटिका एक्सपेंड ड्यूरिंग सेप्टेम्बर एंड
अक्टूबर द डेंसिटी और कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज मीजर बाई डॉब्सन मीटर। यहाँ पर कुछ चीज़ें कही गई हैं। ओजोन का जो छिद्र है, ओजोन परत में जो होल हो गया है, उसको सबसे पहली बार 1973 में फारमैन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था और उन्होंने इसे अंटार्कटिका के ऊपर सेप्टेम्बर और अक्टूबर के महीने में देखा था। ये हमने देखा द डेंसिटी एंड डेंसिटी और कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पर जो घनत्व या उसकी जो सांद्रता है, किस चीज़ की बात की जा रही है? ओजोन की बात की जा रही है। तो द डेंसिटी और कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज मीजर बाय डॉब्सन मीटर। किसी पैमाने की यहाँ आवश्यकता होगी, मतलब ओजोन को हम नापते कैसे हैं, तो डॉब्सन मीटर की सहायता से इसे नापते हैं। तो ओजोन परत की थिकनेस को नापने का या उसके कॉन्सेंट्रेशन को नापने का, ओजोन क्या है? एक गैस है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के अणुओं से बनती है, उसके मॉलिक्यूल से इसका फॉर्मेशन होता है, O3 इसका फार्मूला होता है। अगर ये ट्रोपोस्फीयर की निचली लेयर में पाई जाए तो ये पॉल्यूटेंट होती है, मतलब प्रदूषक होती है, और अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर के अपर लेयर में पाई जाती है तो वहाँ ये लाभदायक होती है, जीवनदायी है। तो यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर वाली जो ओजोन है इसकी बात की जा रही है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन है, इसकी थिकनेस को नापने का जो मात्रक है, यूनिट है, वो यहाँ पर डॉब्सन है। और इसे मीजर करने का या ऑब्जर्व करने का जो सबसे पहला प्रयास था वो 1973 में हुआ था, मतलब बहुत पुराना प्रयास नहीं है। इसका मतलब यह है कि जागरूकता बहुत बाद में आई है, खासतौर पर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनमें काफ़ी कम अवेयरनेस अभी भी है, इसमें और ज़्यादा जागृति की आवश्यकता है और तभी जो है पर्यावरण संरक्षित हो पाएगा। फिलहाल देखिए, कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज मीजर बाय डॉब्सन मीटर, मतलब इसका मीजरमेंट कैसे किया जाता है? डॉब्सन मीटर के द्वारा किया जाता है। द मेन फैक्टर ऑफ ओजोन डिप्लेक्शन इज क्लोरीन। यहाँ पर ओजोन के डिप्लेक्शन का जो मेन फैक्टर है, मुख्य कारक है, वो कौन है? क्लोरीन है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर इसका जो ओरिजिन है, मतलब क्लोरीन का जो उत्पादन है, वो कहाँ से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। क्लोरीन का उत्पादन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। और देख लीजिए, हैलोजन्स एंड केमिकल्स लाइक टेट्राक्लोराइड एंड मेथिल क्लोरोफार्म। क्लोरीन का उत्पादन, क्लोरीन का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ से हो सकता है ये बताया गया है। तो हैलोजन वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें तो क्लोरीन आती ही है, उसके अलावा जितने केमिकल्स इस प्रकार के होते हैं, कुछ केमिकल्स का नाम दिया हुआ है जैसे टेट्राक्लोराइड है और मेथिल क्लोरोफार्म है, इन सब जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड है, इनमें क्लोरीन की एग्जिस्टेंस होती है, उपस्थिति होती है, और ये क्लोरीन ओजोन के लिए विनाशकारी होती है, नुकसानदेह होती है, ये यहाँ कहा गया है। अब ओजोन परत के नष्ट होने से या जितनी भी ताप बढ़ाने वाली घटना है, जो अंदर वाला प्रदूषण है वो तो है ही है, उसके साथ साथ जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो भी तेज गति से अर्थ पर पहुंच रही है, क्योंकि ओजोन परत पतली हो रही है और इसमें छेद बन गया है, इन सब का परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका नतीजा होगा ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक ऊष्मन की घटना। और इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया गर्म हो रही है, उसका तापमान हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है, और तापमान बढ़ने का क्या प्रभाव हो सकता है ये आप जानते ही हैं, ग्लेशियर पिघलेंगे, उसके अलावा और भी बहुत तरह की चीज़ें आएंगी। ग्लोबल वार्मिंग से ये तो दूरगामी परिणाम है कि ग्लेशियर पिघल जाएंगे और हम लोग डूब जाएंगे, उससे पहले और भी तरह के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, विभिन्न बीमारियाँ फैल सकती हैं, जलवायु असंतुलित हो सकती है, क्लाइमेट का जो डिस्टर्बेंस है वो लगातार हम देख भी रहे हैं। इधर कुछ वर्षों में जलवायु काफ़ी ज़्यादा असंतुलित हो गई है, मौसम में बड़े पैमाने पर हम बदलाव देख रहे हैं, तो वो सब ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO का मतलब क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एक्सेट्रा, इस प्रकार के जो मटेरियल हैं, इस प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं, वो बड़े पैमाने पर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसका कारक है। औद्योगिक क्रांति ने देश को विकास की कुंजी तो पकड़ा दी है, मतलब ऐसा है कि हमारे पास जो डेवलपमेंट है उसकी एक की हमारे हाथ लग गई है, चाबी लग गई है हमारे हाथ में, तो हम विकास कर सकते हैं, ये सही है, और उद्योगों को हम बढ़ावा देकर, इसीलिए अब कृषि को कम बढ़ावा दिया जा रहा है और जो उद्योग है उन पर बड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और उसके पीछे रीज़न क्या है? इससे तेज विकास किया जा सकता है, तेज़ी से डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो हर देश के पीछे ये मजबूरी भी है कि वह तेज गति से डेवलपमेंट करने के लिए जो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसकी उंगली थाम ले और इसी के सहारे आगे बढ़े, क्योंकि एग्रीकल्चर से इतना तेज डेवलपमेंट नहीं हो सकता कहीं भी, ईमानदारी की बात है। यही कारण है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं जो तरक्की के इच्छुक हैं वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ बड़े पैमाने पर हो रहा है और पिछले 25 सालों में ये बहुत तेज हुआ है, इसकी गति दुगनी चौगुनी हो गई है, चाहे वो भारत हो या कोई भी देश हो। फिलहाल यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसके नतीजे के रूप में अलग अलग गैसें रिलीज होती हैं, जैसे कि CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इस प्रकार की गैसों का यहाँ पर उत्सर्जन होता है।
इन द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज कंसिडरेबली। यहाँ पर इनका जो उत्सर्जन है ये एटमॉस्फेयर में लगातार हो रहा है और इनकी मात्रा निरंतर तरीके से बढ़ती जा रही है। इफ दिस प्रेजेंट, यहाँ ये कहा गया है कि उत्सर्जन तो हो रहा है वो ठीक है और लगातार एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा भी बढ़ रही है, ये भी बात एक्सेप्ट की जा सकती है, लेकिन ऐसा अगर लगातार होता रहा तब क्या होगा? तो भविष्य इसका बताया गया है कि इफ दिस प्रेजेंट ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूअसली चलता रहा तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? देन इट इज एस्टिमेटेड दैट द अर्थ वुड बी वार्मर बाई 30 डिग्री बाई 2030। 2030 में या 2030 का जो सन है वहाँ तक पहुँचने तक हमारी अर्थ जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म हो जाएगी। इसका जो औसत तापमान है उसमें बड़े पैमाने पर हमें इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कब होगा? जब ये जो वर्तमान ट्रेंड है, वर्तमान जो चलन चल रहा है इस समय, लगातार इस प्रकार के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो जाकर एटमॉस्फेयर में मिल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा? अर्थ का तापमान बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ इंक्रीज कर जाएगा। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2030 की ही बात कही गई है, यानी आज से ठीक 10 साल बाद। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टेम्परेचर इन 1900, मतलब जो सन 1900 वाला टेम्परेचर था उसकी तुलना में 30 डिग्री सेल्सियस जो 2030 का तापमान है वो बढ़ जाएगा। ये हमने देखा, दिस राइज इन टेम्परेचर विल राइज द सी लेवल बाई 2.5 to 3 meters। अब ये जो राइज होगा, मतलब टेम्परेचर में जो ये उछाल आएगा, इसका नतीजा आप जानते ही है क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, जो ग्लेशियर है वो मेल्ट डाउन होंगे और उसके परिणाम स्वरूप जो सी लेवल है वो करीब करीब 2.5 से लेकर 3 meters तक बढ़ जाएगा। 2.5 meters से लेकर 3 meters तक जो सी लेवल है, समुद्र का स्तर है, उसमें वृद्धि होगी। दिस इज बिकॉज CO2 अ हैवी गैस एंड इट, यहाँ आप देख लीजिए, एंड इज ओपेक टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 एक भारी भरकम गैस है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, पार्थिव विकिरण होता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है और गिव्स राइज टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड राइजेज द टेम्परेचर। और वही काम है, जब ये टेम्परेचर अपने अंदर एब्जॉर्व करेगी तो यहाँ पर तापमान बढ़ेगा, जिस भी क्षेत्र में CO2 विद्यमान रहेगी वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्थिव विकिरण को, यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अपने अंदर सोख लेती है। और ये कारण है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जब ज़्यादा मात्रा होगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट करेगी, उपस्थित होगी, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रोसेस है वो इन्हेंस कर जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। नतीजा वही होगा कि जो ग्लेशियर है वो मेल्ट डाउन होंगे और जो सी लेवल है वो लगातार बढ़ेगा और यहाँ जो लेवल की बात की गई है उसमें वृद्धि लगभग 2.5 to 3 meters तक हो सकती है। ऐसा ज़्यादा दूर नहीं है, ये 2030 तक की ही बात की जा रही है। और देख लीजिए, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। एसिड रेन है, एसिड रेन का मतलब क्या, अम्ल वर्षा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड हैलोजन, हैलोजन्स में कौन कौन से, लाइक क्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है, ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो उसमें से दो का नाम यहाँ लिया गया है, क्लोरीन और फ्लोरीन। इनका अगर बड़े पैमाने पर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इसे आप देख रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं या सल्फर के जो ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिक होते हैं वो, इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं, मतलब नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड हैं, हैलोजन्स जितने भी हैं, खास तौर पे उसमें क्लोरीन और फ्लोरीन, इनके इंक्रीजमेंट से, इनके कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से द एसिडिटी ऑफ रेन वाटर हैज़ इंक्रीज, जो वर्षा का जल है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। वर्षा के जल में अम्लीयता तो होती है, ऐसा नहीं है कि वो एसिडिक नेचर का नहीं होता, लेकिन कम होती है। अब इन गैसों का अमाउंट या इन जो मटेरियल हैं, सबस्टेंसेज हैं, इनका जब अमाउंट उसमें बढ़ता है, ये कंपाउंड्स जाके उसमें मिलते हैं, तो इसका नतीजा ये होता है कि जो रेन वाटर है, वर्षा का पानी है, उसमें एसिडिटी की मात्रा इंक्रीज कर जाती है। व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5, यहाँ ये कहा गया है कि जो रेन वाटर है उसका पीएच मान, उसकी जो पीएच वैल्यू है, अगर वो 5 से कम हो जाए, आप जानते हैं पीएच पैमाने के बारे में, पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच स्केल पर हम किसी भी पदार्थ को रख कर उसका पीएच मान निकाल कर ये पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है, बेस है या साल्ट है, वो किस नेचर का है, उसके नेचर को हम जान सकते हैं। तो अगर वो 7 से लेस रहेगा, मतलब उसका पीएच मान जो है वो 7 से कम रहेगा, तो वो एसिडिक नेचर का होगा, वो किस प्रकार का होगा, अम्ल होगा, ये हम जानते हैं। और अगर 7 से इसका जो मान है वो बड़ा होगा, 7 से इसका जो मान है वो बड़ा होगा, इस तरीके का आप सिंबल बना लीजिए, ग्रेटर देन और लेस देन वाला, 7 से अगर इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा, ये बेस होगा, ये क्षार होगा।
और अगर 7 के इक्वल होगा तो ये क्या होगा? साल्ट होगा, ये आप जानते ही हैं। पीएच पैमाने के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है एनसीईआरटी में। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये कहा गया है कि जो रेन वाटर है उसका अगर पीएच मान 5 से कम हो जाए, उसकी जो वैल्यू है वो 5 से लेस हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? वो एसिडिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। 7 से कम होने पर ही एसिडिक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब 5 से कम होगा तो उसकी जो एसिडिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। द H2SO4 यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अलावा जो नाइट्रिक एसिड है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बनेंगी। कहने का मतलब ये है कि जो रेन वाटर है उसमें इस प्रकार के अम्लों की उपस्थिति पाई जाएगी। कौन कौन से अम्ल हैं? सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और तीनों को आप मिक्स कर दीजिए तो क्या बनेगा? एक्वेरेजिया बनेगा। फिलहाल तो इन जो प्रबल अम्ल है यहाँ पर, जो स्ट्रांग एसिड कहे जाते हैं, वो यहाँ पर इनमें मिलने लगेंगे और इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस तरह का एसिड अगर आसमान से बरसेगा तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना नुकसान होगा। इन द रेन वाटर हैज़ वेरी वेरी डिस्टोरस एंड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। यहाँ पर क्या होगा? इस प्रकार का जब रेन वाटर अर्थ के सर्फेस पर आएगा तो इसका बड़ा विनाशकारी परिणाम और बहुत ही बुरा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा एनवायरमेंट पर। अम्ल वर्षा से बहुत ही हानिकारक असर देखने के लिए मिलता है। तो ये एसिड रेन है, और एसिड रेन का मतलब वही है कि आसमान से एसिड बरस रहा होता है। और एसिड आता कहाँ से है? तो ये जो प्रदूषक पदार्थ हैं इन्हीं से एसिड का निर्माण होता है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हैलोजन, जैसे कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इसके अलावा इस प्रकार के जितने भी हैं हैलोजन, वो सब नुकसानदेह होते हैं। नुकसानदेह जितने हैलोजन हैं सभी हैं, लेकिन उसमें से क्लोरीन और फ्लोरीन को यहाँ ज़्यादा प्रमुखता से देखा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा किया गया नुकसान यहाँ एटमॉस्फेयर के मामले में या रेन वाटर को एसिडिक बनाने के मामले में ज़्यादा होता है। और एसिड इसमें कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा एसिड इसमें एग्जिस्ट करता है, तो जितने खतरनाक क्वालिटी के एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, वो सब यहाँ मौजूद होते हैं, जैसे कि H2SO4 है यानी सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड है HNO3, और इसके अलावा HCl है। यहाँ H2SO4 दो बार लिख दिया है तो इसको आप एक ही बार समझिएगा। HCl का मतलब क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीनों ही खतरनाक होते हैं, और तीनों को मिला दीजिए तो बहुत खतरनाक एक अम्लराज जो है वो बन जाता है यहाँ पर। तो ये सब अगर आसमान से बरसेंगे तो ये इन्वायरमेंट को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक तो हमने देखा इसे, और ये हम क्या देख रहे हैं? ये हम देख रहे थे जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर थी उन्हें, मतलब वायुमंडल से जुड़ी हुई जो समस्याएं मनुष्य के क्रियाकलाप से हो रही थी उसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट है, तीसरे नंबर का है, उसको देख लीजिए। प्रॉब्लम रिलेटेड टू बायोस्फीयर, जो जैवमंडल है उससे जुड़ी हुई जो समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं मनुष्य की गतिविधियों से, उसको देख सकते हैं आप। द इम्बैलेंस इन द एनवायरनमेंट हैज़ इट्स मोस्ट डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है उस पर ये जो मनुष्य के क्रियाकलाप है, या ये कह लीजिए कि जो पर्यावरण का क्रियाकलापों की वजह से असंतुलन हो गया है, इम्बैलेंस उसमें क्रिएट हो गया है, वो यहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाता है। जितना भी ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर का, उसको ये अच्छी खासी नुकसान पहुँचाता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ UNEP, यहाँ पर UNEP की एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। तो UNEP की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि एटलीस्ट 50 स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्ट पर डे। इसमें ये कहा गया है UNEP की रिपोर्ट में कि करीब 50, कम से कम 50, एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो कम से कम 50 प्रजातियाँ इस ऑर्गेनिज्म में, मतलब ये जो जैविक क्षेत्र है इसमें, ऐसी रोज पाई जाती हैं, मतलब रोज इनकी अवस्थिति होती है जो कि या तो अंडर थ्रेट होती हैं यानी संकटग्रस्त होती हैं, या फिर एक्सटिंक्ट होती हैं, मतलब गंभीर रूप से संकटग्रस्त होती हैं या संकटापन्न होती हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो इसमें UNEP की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि पूरे विश्व में 50 के आसपास स्पीसीज रोज ही संकटग्रस्त या संकट के दायरे में देखी जाती हैं, मतलब उनके जीवन पर संकट मंडरा रहा है, और ऐसा लगभग रोज होता है। तो रोज अगर 50-50 भी प्राणियों की जो प्रजातियाँ हैं वो इस दायरे में आएंगी। UNEP का जो आपने स्केल था उसको देखा था, उसमें अलग अलग पैमाने बनाए गए थे, उसमें इंडेंजर्ड वाला था, उसके अलावा वल्नरेबल वाला था, इस प्रकार से स्केल बने हुए थे। तो उस कैटेगरी में अगर ये स्पीशीज लगातार शामिल होती जाएंगी तो बड़े पैमाने पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी, और पड़ी भी है। इसीलिए अलग अलग देशों की सरकारें अपने प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो प्रयास पर्याप्त नहीं है, और करने की आवश्यकता है, और इसमें नागरिक सहयोग ज़्यादा महत्व रखता है फिलहाल। तो UNEP की इस रिपोर्ट में ये कहा गया, और रेड डाटा बुक जो आप जानते ही हैं, ये किसका रिकॉर्ड है? UNEP के द्वारा जारी किया जाने वाला एक रिकॉर्ड रजिस्टर है, माफ कीजिएगा,
रेड डाटा बुक के बारे में कहा जा रहा है। तो ये रेड डाटा बुक क्या है? ये IUCN के द्वारा जारी किया जाने वाला, मतलब पब्लिश किया जाने वाला एक एक्नॉलेजमेंट है। यहाँ पे UNEP का जिक्र आ रहा था इसलिए यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ मैं माफी चाहूंगी। रेड डाटा बुक इसे जारी करने वाला वाली जो संस्था है वो क्या है? IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यू फॉर यूनियन, सी फॉर कंजर्वेशन और एन फॉर नेचर। तो ये जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, किस लिए है? नेचर के लिए है, मतलब प्रकृति का संरक्षण करने के लिए ये एक इंटरनेशनल यूनियन है और इसने रेड डाटा बुक जारी की है। और रेड डाटा बुक जब जारी करते हैं तो उसमें लिस्ट बनाई जाती है कि कौन सी प्रजाति किस तरह के खतरे के अंदर आती है, इसे हमने देखा था। और UNEP नाम की जो संस्था है ये एक इन्वायरमेंटल प्रोग्राम चलाती है, मतलब पर्यावरण से संबंधित जितने भी संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम होते हैं उसमें ये अपना रोल प्ले करती है। और इसने ये भविष्यवाणी की थी और उसके बाद रेड डाटा बुक जो पब्लिश होती है IUCN की, उससे ये पता चलता है कि कौन सी प्रजातियां किस एज तक पहुंच गई हैं, मतलब उसमें खतरे का स्तर कितना है। तो यहाँ आप देख लीजिए नीचे दूसरी लाइन, आल्सो एक्नॉलेज दोज स्पीशीज विच आर एट एज ऑफ डिसअपियरिंग एंड देयर कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये कहा गया है कि जो स्पीशीज इस बॉर्डर पे पहुंच जाती हैं उनका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी इकोसिस्टम से या बायोम से कोई भी एक स्पीशीज गायब होती है तो वो उस पूरे तंत्र को डिसबैलेंस कर देती है, क्योंकि हर प्राणी का, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका योगदान होता है। और उसका जो रोल होता है, अगर वो प्राणी या वो प्रजाति नहीं रहेगी तो उसको प्ले करने वाले दूसरे नहीं हो सकते। ये सही है कि उसका विकल्प तलाशा जा सकता है, लेकिन फिर भी उस प्रजाति के ख़त्म होने का एनवायरनमेंट पे एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, और ये प्रभाव नहीं होगा बल्कि दुष्प्रभाव होगा, इसे हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 20, और ये जो चैप्टर नंबर 20 है इसमें हम इफ़ोर्ट्स देखेंगे। यहाँ तक तो हमने ये देखा कि पर्यावरण को हमने कितनी हानि पहुँचाई है, नुकसान पहुँचाया है, और किस तरह की उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब कंजर्वेशन के लिए, इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए हमारे जो इफ़ोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं, पूरी दुनिया के स्तर के जो यहाँ पे प्रयास हैं उनको हम लोग देखेंगे। इसमें एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, माफ़ कीजिएगा, कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़। यहाँ पर जो कन्वेंशन और ट्रीटीज़ हुई हैं, संधियाँ और जो सम्मेलन हुए हैं उनका जिक्र किया गया है। और ये किस लिए हैं? ये इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है उससे जुड़े हुए हैं, पर्यावरण से जुड़ी हुई जितनी भी संधि और समझौते हैं उसको यहाँ पर दर्ज किया गया है। कुछ सम्मेलनों का भी नाम है, तो देख लीजिए। पहले हम कन्वेंशन देखेंगे, उसके बाद बीच में जो टेबल का एरिया है उसमें हम लोग ईयर्स को देखेंगे, मतलब जो साल, जिस साल इनका आयोजन किया गया था, और अंत में हम जो इसका प्रोविज़न है उसको यहाँ पे मीज़र करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो देख लीजिए, पहले है स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस है ये 1972 का है। कंसीडर द नीड टू इंस्पायर एंड गाइड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। यहाँ ये कहा गया है कि, मतलब जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था ये 1972 का है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसका प्रिजर्वेशन किया जाए और उसे मैनेज किया जाए, और इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को इंस्पायर किया जाए और उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए, उन्हें गाइड भी किया जाए साथ साथ, ताकि जो लोग हैं वो अपने पर्यावरण के प्रति सचेत हो सके, उसका संरक्षण कर सके या उसे मैनेज कर सके, प्रबंधन कर सके उसका। इसके बाद जो दूसरा इसमें है वो हेलसिंकी कन्वेंशन है 1974 वाला। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ मैरिन एनवायरनमेंट, जो समुद्री पर्यावरण है, समुद्री जो जीवन है उसके संरक्षण से जुड़ा हुआ, या उसके जो प्रोटेक्शन है उससे जुड़ा हुआ ये पूरा कन्वेंशन है, जिसका नाम है हेलसिंकी, और इसका आयोजन हुआ था 1974 में। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो सन है वो 1987 है। फेजिंग आउट प्रोडक्शन एंड कंज्यूम्पशन ऑफ कंपाउंड्स दैट डिप्लेट ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ ये कहा गया है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो यौगिक हैं उन पे लगाम लगाई जाए, या उनका प्रबंधन किया जाए, सही तरीके से उन्हें मैनेज किया जाए, ताकि वो बड़े पैमाने पर उत्सर्जित होकर ओजोन परत को नुकसान न पहुँचा सके। तो उससे जुड़ा हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यहाँ पर कौन सा कन्वेंशन या कौन सा प्रोटोकॉल किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, उसका संबंध किस चीज़ से है? पर्यावरण से तो सबका संबंध है, लेकिन उसमें पर्यावरण के किस फैक्टर से ये संबंध रखते हैं ये जानना आवश्यक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 का है, इसका संबंध ओजोन डिप्लेक्शन से है, और उसके क्षरण में, मतलब ओजोन परत का जो विनाश हो रहा है उसमें रोल प्ले करने वाले जितने भी यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, चाहे वो हैलोजन वाले हों या जितने भी हैं, उनको नियंत्रित करने की बात कही गई है। इसके बाद रियो कन्वेंशन है, रियो कन्वेंशन को आप देख लीजिए, 1992 इसका पूरा सन है।
रियो कन्वेंशन रिलेटेड टू द फॉलोइंग थ्री कन्वेंशंस। यहाँ पर रियो कन्वेंशन में तीन अलग अलग हिस्से हैं, और तीन कन्वेंशन कौन कौन से हैं? तो UNFCCC है, CBD है और UNCCD है। ये तीन कन्वेंशन से जुड़े हुए हैं और तीनों को हम कंबाइंडली कहते हैं रियो कन्वेंशन 1992, इसका सन है। यहाँ तक हमने कुछ कन्वेंशन और जो प्रोटोकॉल थे उनको देखा, और इनका संबंध इन्वायरमेंट से था, मतलब ये हमारे इफ़ोर्ट्स हैं, वैश्विक स्तर के इफ़ोर्ट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में योगदान तो देते हैं, लेकिन ये अपर्याप्त है, इनसफिशियंट है। अभी और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पर्यावरण को पहले ही नुकसान पहुँच चुका है, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमें दुगना प्रयास करने की ज़रूरत है। ये हमने देखा और यही था हमारा चैप्टर नंबर 20। एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, हॉट स्पॉट और ग्लोबल वार्मिंग का, इसको भी देख लीजिए। तो रिसेंटली द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज क्लियरली वॉन्ट दैट द होल अर्थ इज इन ट्रबल, और ट्रबल किस प्रकार की है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है, एंड फेजेस एंड प्लेसेस। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो इंटर गवर्नमेंट पैनल है उसने जो क्लाइमेट चेंज है उस पर क्लियरली अपनी बात कही है, और उसमें ये कहा गया है कि पूरी अर्थ यहाँ संकट में है, जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है उससे पूरी अर्थ पर संकट मंडरा रहा है, और जो डिफरेंट इसके प्लेसेस हैं वो इससे दुष्प्रभावित हो रहे हैं। वेयर इकोसिस्टम हैज़ बीन बैलेंस, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि वेयर इकोसिस्टम हैज़ बीन बैलेंस्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम मे बी एडवर्सली अफेक्टेड बाई इट। बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा डेंस है, सघन है, और दूसरी चीज़ वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो पहले बैलेंस था, लेकिन इस वजह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग की या क्लाइमेट चेंज की घटना है, इस वजह से वहाँ असंतुलन आ गया है। जो प्रजातियाँ हैं वो तेज़ी से गायब हो रही हैं, वृक्षों का विनाश हो रहा है, मतलब फ्लोरा और फौना वाला जितना भी पोर्शन है वो तेज़ी से नष्ट हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों को यहाँ जो साइंटिस्ट हैं वो मार्क करते हैं, उस पर चिन्ह लगाते हैं, और चिन्ह किस चीज़ का होता है? हॉट स्पॉट के रूप में। और ये हॉट स्पॉट किसके होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के चलते ही यहाँ पर समस्याएं खड़ी होती हैं, इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और इसीलिए इन्हें हॉट स्पॉट के तौर पे यहाँ दर्ज किया जाता है, ऐसे क्षेत्र जो ज़्यादा संवेदनशील है। द नंबर ऑफ सच हॉट स्पॉट इज प्रेजेंटली 20। यहाँ पे इस प्रकार के जो हॉट स्पॉट हैं इनका टोटल नंबर वर्तमान में 20 है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इन ग्रीनलैंड, रॉकी माउंटेंस, अलास्का रीजन इन नॉर्दर्न अमेरिका एंड द इफेक्ट ऑफ थर्मल वेव इन द टेक्सास आर इंक्लूडेड इन देम। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर जो क्लाइमेट हॉटस्पॉट है उसकी बात की जा रही है। जलवायु की दृष्टि से जो क्षेत्र ज़्यादा संवेदनशील है उसको यहाँ पर दायरे में रखा गया है। इसमें फ्लोरा और फौना तो शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ जो एबायोटिक फैक्टर है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, उसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो देख लीजिए ऐसे जो हॉटस्पॉट है उनकी टोटल संख्या यहाँ 20 है, और इसमें ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से ग्रीनलैंड को रखा गया है, उसके अतिरिक्त रॉकी माउंटेन को रखा गया है, अलास्का रीजन भी इसी दायरे में आता है नॉर्थ अमेरिका का। इसके अलावा थर्मल वेव्स के प्रभाव में आने वाला जो टेक्सास है वो भी इसी में इंक्लूड किया गया है। तो ये सब हॉट स्पॉट है और इनका सीधा संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का संकट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है, और उसका बड़ा बदलाव भी हम देख रहे हैं, विनाशकारी असर यहाँ दिखाई दे रहा है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पर चर्चा करने के बाद अब पार्ट सी हमारे सामने है, जिसका चैप्टर 1 हम देखने वाले हैं, और ये है एग्रीकल्चर। कृषि के बारे में सबसे पहले देखेंगे। खेती किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि आप पैसा कितना भी कमा लीजिए, कितनी भी मनी आपके पास हो जाए, कितने भी आप रिच बन जाइए, लेकिन फिर भी खाने के लिए आपको अनाज ही चाहिए होगा। खाने के लिए जो पदार्थ हैं उसमें मुख्य रूप से आप जो अनाज है उनका इस्तेमाल करते हैं, और वो अनाज कैसे उपजता है? इस एग्रीकल्चर की वजह से पैदा होता है। और सिर्फ अनाज ही नहीं, जितने भी खाने पीने के खाद्यान्न हैं उसमें मैक्सिमम चीज़ें हमें खेती के द्वारा प्राप्त होती हैं, ये हम जानते हैं। तो जो मुख्य फसलें हैं, जो मुख्य क्रॉप्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, और एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है वो यहीं से स्टार्ट होता है। आगे चलें इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, जो कि बहुत देर से पेंडिंग थी, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ों के लिए पेड कोर्सेज यहाँ चलाए जा रहे हैं वो सब आपको दिखाई दे रही हैं। ये सभी है, इन सभी परीक्षाओं के लिए या संस्थाओं से आयोजित होने वाली जितनी परीक्षाएँ हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए कोर्सेस यहाँ चल रहे हैं। और अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, दो मोबाइल नंबर हैं, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये तो पेड ग्रुप की बात है, यहाँ पर मेंस के लिए भी ग्रुप चलाए जाते हैं, इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी है, आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज है, आप जिससे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। ये तो बात हुई जो पेड वाला था उसकी। इसके अलावा फ्री इनिशिएटिव के बारे में आप जानते ही हैं, यूट्यूब पर जितने भी चैनल हैं और जितने भी वीडियोज आप देखते हैं वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ओनली UPSC बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से भी एक चैनल है,
उसे अगर आप ज्वाइन किए रहेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन या जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहेगी। ट्विटर पे हमारा अकाउंट है, उससे जुड़े रहिए, उसे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप हमेशा बने रहिए। ट्विटर जो है वो मन को भटकाता नहीं है, आप सिर्फ काम की चीज़ें देखिए और वहाँ से लौट आइए, बाकी जो आलतू फालतू ट्वीट हैं उनको मत देखिए। तो ट्विटर पे तरह तरह के पोल्स आयोजित किए जाते हैं, आपके विचार मांगे जाते हैं, तो वहाँ आप अपने विचार खुलकर साझा कर सकते हैं कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं या कौन सा पावा वीडियो आपको चाहिए, किस तरह के कोर्स पे आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो ये सब बातें आप वहाँ कह सकते हैं। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें थी और ये एडवर्टाइज़ यही बंद करते हैं, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम जिस फसल के बारे में देखने वाले हैं वो है राइस, यानी धान, और धान से निकलता है चावल, मतलब पैडी, और उससे राइस। तो राइस इज़ अ मेजर कॉर्प, और ये कैसी कॉर्प है? ये फूड कॉर्प है, मतलब खाद्यान्न फसल है, ऑफ द मानसून रीजन ऑफ एशिया, जो एशिया महाद्वीप का, एशिया कॉन्टिनेंट का मानसूनी रीजन है, वहाँ पे ये उत्पन्न होती है और बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली फसल है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो चावल के बिना खाते ही नहीं हैं, अपने इंडिया में भी हैं और उसके अलावा पूरी दुनिया में भी हैं कुछ ऐसे इलाके। ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द राइस प्रोड्यूस इन द कंज्यूम लोकली। यहाँ ये कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द राइस प्रोड्यूस इन कंज्यूम लोकली, देयरफॉर इट इज़ अवेलेबल इन वेरी लो क्वांटिटी फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। यही कारण है, मतलब ये लोकली इसका जो कंज्यूमिंग का प्रोसेस है वो होता है, इसका प्रोडक्शन होता है, और यही वजह है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है इसमें ये बड़ी ही लो क्वांटिटी में अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ, मतलब 90% जो हिस्सा है, ये किस चीज़ की बात की जा रही है? राइस की बात की जा रही है, वर्ल्ड्स राइस एरिया, एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस इज फाउंड इन एशिया। एशिया महाद्वीप में, एशिया कॉन्टिनेंट में, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 90% जो राइस एरिया है वो पाया जाता है, मतलब चावल उत्पादक क्षेत्रों का जो 90% हिस्सा है या भाग है वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। ये हमने देखा। और भी कुछ खास बातें हैं, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। चाइना जो है वो पूरे विश्व में चावल उत्पादक देशों में सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पे देखा जाता है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है चाइना के बाद, चाहे चावल उत्पादन हो या गेहूं उत्पादन हो, वीट का जो प्रोडक्शन है उसमें भी भारत का दूसरा स्थान है और चाइना जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें कही गई हैं, मतलब चाइना में किस इलाके में चावल उत्पन्न होता है। तो इन चाइना द मेजर बेसिन्स आर यांगटीसी क्यांग, सीक्यांग, और जो इस प्रकार की बेसिन्स हैं, मतलब ये नदी बेसिनों या नदी घाटियों की बात की जा रही है, नदी के जो बेसिन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर चावल का उत्पादन होता है। इसमें यांगटीसी क्यांग नदी है, सीक्यांग नदी है, इनके तलहटी में, इनकी तराई में जो चावल है उत्पन्न होता है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड अंडर राइस कल्टिवेशन। राइस का जो कल्टिवेशन अपने देश में है उस मामले में अपना देश यानी भारत पूरे विश्व में सबसे बड़े पैमाने पर, बड़े क्षेत्रफल में चावल की खेती करता है। इसमें राइस कल्टिवेशन बड़े एक एरिया में होता है और ये सबसे बड़ा दायरा है, लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं होता। अपने यहाँ चावल के खेत ज़्यादा हैं, चावल के खेतों का जो एरिया है वो ज़्यादा है, चीन की तुलना में भी ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन हमारा उनसे कम है, मतलब चीन वालों से कम है। और यहाँ क्यों मतलब इसके पीछे कारण कौन सा है? तो बट ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी इट इज़ सेकेंड आफ्टर चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। वही चीज़ कही गई है कि प्रोडक्टिविटी यहाँ लो है, इस वजह से ये सेकेंड पोजिशन पर आता है। चावल की खेती के लिए खेतों का ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उससे प्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी लो होता है, और यही कारण है कि यहाँ हम चाइना से पिछड़ गए। ये हमने देखा राइस के बारे में। और राइस क्या है? ये एक मेजर फूड कॉर्प है। दूसरे नंबर पर गेहूं है। इट इज़ बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन, इसका जो ओरिजिन है वो फिलिस्तीन में माना जाता है। इट इज़ बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन फिलिस्तीन। इट इज़ मोस्ट, या ये कह लीजिए कि मोर, मोस्ट कहना यहाँ थोड़ा ज़्यादा अधिक हो जाएगा, तो इट इज़ मोर न्यूट्रिटिव दैन राइस। ये तो नहीं कहा जा सकता कि मोस्ट न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी राइस की तुलना में, चावल की तुलना में ये ज़्यादा पोषक तत्वों से युक्त होता है। एंड रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मतलब इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और प्रोटीन पाए जाते हैं। इस मामले में ये काफ़ी ज़्यादा समृद्ध होता है चावल की तुलना में, इसमें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जो है वो पाए जाते हैं। द अडैप्टेबिलिटी ऑफ वीट प्लांट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ वाई इट कैन बी सर्वाइव इन द रीजन्स एज कोल्ड एज साइबेरिया एंड एज वार्म एज ट्रॉपिकल रीजन्स। ये जो गेहूं की फसल है या गेहूं की जो पौध होती है, वनस्पति होती है, ये किसी भी इलाके में उगने में और सर्वाइव करने में सक्षम होती है। यही कारण है कि इसे किसी भी क्षेत्र में पाया जा सकता है, मतलब साइबेरिया जैसा जो ठंडा क्षेत्र है वहाँ भी,
और इसके अलावा जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ भी, मतलब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो ऐसे इलाकों में भी गेहूँ पैदा हो सकता है, लेकिन एक औसत जलवायु की इसे आवश्यकता होती है, न बहुत ज़्यादा गर्मी और न बहुत ज़्यादा ठंडी। मतलब जब बोया जाए तो ठंडी का मौसम रहे, हल्की ठंडी रहे, और जब काटा जाए तो गर्मी रहे। इसे सूखने के लिए, मतलब पकने के बाद दाने जो हैं उन्हें सूख कर फसल को तैयार होने के लिए थोड़ी गर्मी की आवश्यकता होती है, तो दोनों ही मौसमों की इन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी ये किसी भी इलाके में सर्वाइव कर सकती है। तो इनका जो ये एक गुण होता है, ये इन्हें बड़े पैमाने पर उपजाने में मदद करता है। इसके विपरीत जो धान वाली फसल होती है वो बिना पानी के पैदा नहीं होगी। धान को पर्याप्त मात्रा में या भरपूर मात्रा में पानी चाहिए होता है। तो राइस और वीट में थोड़ा सा अंतर यही है, और वीट के साथ दिक्कत कुछ नहीं है। मतलब इसमें एक तो न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, लगभग हर पोषक पदार्थ इसके अंदर मौजूद होता है। चावल में भी पाए जाते हैं, लेकिन चावल में इतने बड़े अमाउंट में नहीं मिलते हैं। तो चावल के उत्पादन में और गेहूँ के उत्पादन में अपने देश का यानी भारत का दूसरा स्थान है, और चाइना दोनों में फर्स्ट है, ये हमने देखा। इसके बाद आप मेज को देख लीजिए। इसका जो ओरिजिन है वो साउदर्न जो मैक्सिको वाला पोर्शन है वहाँ से माना जाता है। इट इज़ अ सब ट्रॉपिकल प्लांट, ये सब ट्रॉपिकल प्लांट है, एंड ग्रो वेल बिटवीन 50 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ। मतलब जो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसके आसपास वाले क्षेत्र में, और जो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूडनल एरिया है, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन अच्छे तरीके से होता है। मतलब वहाँ पर ये अच्छे तरीके से वेल ग्रो करता है, और ये सब ट्रॉपिकल प्लांट है, ये बड़ी बात है। और इसका जो ओरिजिन है वो माना जाता है साउदर्न मैक्सिको से, ये हमने मेज के बारे में देखा। इसके बाद टी को देख लीजिए। टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज कॉर्प ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टेंडर लीव्स। अब यहाँ पर ये जो टी है, मतलब टी का मतलब क्या, चाय जिसे आप पीते हैं। तो चाय का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक तो ये बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसल है, और इसमें जो टेंडर लीव्स होती हैं, जो इसकी पत्तियाँ होती हैं, उसको सुखाकर या विभिन्न जो प्रणालियाँ होती हैं उसके द्वारा जो चाय की थोक बिकने वाली, या ये कह लीजिए कि मार्केट में आने वाली जो पत्तियाँ होती हैं उसको तैयार किया जाता है। कुछ हरी पत्ती भी होती है, कुछ काली पत्ती भी होती है। तो पत्तियों को सुखा कर बनाया जाता है, पत्तियों को कभी कभी उबाल कर भी कुछ विशेष प्रकार की जो चाय है उनका निर्माण किया जाता है। तो ये सब बनती कैसे है, चाय का पौधा होता है उसमें पत्तियाँ होती हैं, और जो कोमल पत्तियाँ होती हैं उसको चाय के बागानों में जाकर जो महिलाएँ हैं वो बड़े बड़े टोकरे पीठ पर बांध कर चुनती हैं, मतलब तोड़ने का काम करती हैं। जब वो तोड़ कर ले आती हैं तो कंपनियाँ उसको ले लेती हैं, और उसका पूरा जो कच्चा माल है उसका इस्तेमाल करके जो चाय का प्रोडक्शन है उसको करती हैं, ये हमने देखा। और यह इवरी ग्रीन प्लांट है, यह सदाबहार पौधा है, और इसकी जो फैमिली है वो कैमेलिया है, ये कैमेलिया परिवार का पौधा है, उसके कुल का है। इसके बाद आप कॉफ़ी को देख लीजिए, यह भी टी की तरह ही है, और इसमें भी जो प्लांटेशन होता है वो इसी तरीके से होता है। मतलब लगभग जो गुण है, चाहे वो कॉफ़ी का हो या टी का हो, वो आपस में मिलता जुलता होता है, और बड़े पैमाने पर इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि चाय का प्रचलन काफ़ी पहले से है, और कॉफ़ी का प्रचलन उसकी तुलना में बाद में हुआ है, ये हमने देखा। इसके बाद आप गन्ने को देख लीजिए, शुगर केन। शुगर केन इज़ अ कॉर्प ऑफ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, यह ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट में जन्म लेने वाला पौधा है, विच इज़ बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड इन ईस्टर्न एंड साउदर्न साउथ वेस्टर्न एशिया। ऐसा माना जाता है कि इसका जो जन्म था, ओरिजिन था, वो ईस्टर्न या फिर ये कह लीजिए कि जो साउथ वेस्टर्न एशिया है वहाँ पर हुआ था। इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ शुगर विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रेडियंट टू आवर फूड। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि यह जो शुगर केन है, यह चीनी का सबसे बड़ा स्रोत है, मिठास का ये सबसे बड़ा सोर्स है, और यही वजह है कि ये हमारे भोजन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसकी कृषि एक बड़े पैमाने पर होती है। तो गन्ने का उत्पादन किस लिए होता है, चीनी बनाने के लिए। गन्ने के सिरे से चीनी बनती है, पहले गन्ने का रस पेरा जाता है, पहले कोल्हू में जो बैल होते थे उनको जोत कर और गन्ने को उसमें लगा कर पेरा जाता था। आजकल वही काम मशीनों से हो रहा है, रस निकाल कर फिर उसको पकाया जाता है, मतलब रस को आग पे रख के गर्म किया जाता है और पकाया जाता है। जब वो गाढ़ा हो जाता है उससे खांड बनाया जाता है, जो सीरा होता है वो तैयार किया जाता है, और चीनी के क्रिस्टल जो है वो किनारे किनारे अलग होने लगते हैं, उसी बर्तन पर चिपक जाते हैं, बाद में उसी पर पॉलिश होती है, चीनी मिल जो होती है वहाँ पर ले जाकर उस पर पॉलिश की जाती है, उसको बाजार में उतारने लायक तैयार बनाया जाता है। चीनी जब शुरुआत में बनती है तो उसका कलर ब्राउनिश होता है, लेकिन जब चीनी मिल में उसको रगड़ा और घिसा जाता है, उसके क्रिस्टलों को साफ किया जाता है, तो उसका जो रंग है वो सफ़ेद हो जाता है। तो ये शुगर केन से उत्पादित होती है। इस मामले में ये जो गन्ना है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने टी, कॉफ़ी और मेज को देखा। कॉटन को देख लीजिए, यानी कपास जो है। कॉटन इज़ द मेंबर ऑफ मालवेसी फैमिली। कॉटन यानी कपास जो है ये मालवेसी कुल का पौधा है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल प्रोडक्ट
विच प्रोवाइड फाइबर टू आवर क्लोदिंग. यह जो प्रोडक्ट है, मतलब यह जो वनस्पति है, यह किस तरह का है, मतलब वेजिटेबल प्रोडक्ट है, वनस्पति उत्पाद है, और यह हमें क्या प्रोवाइड कराता है, रेशे, प्राकृतिक रेशे उपलब्ध कराता है, और इन्हीं रेशों से सूत तैयार होता है. आप जानते हैं कि कपास के पौधे से रुई निकलती है, और वही रुई जो है हमें रेशे उपलब्ध कराती है, फाइबर्स अवेलेबल कराती है, और वही फाइबर जो है जब काते जाते हैं, पहले चरखे से काते जाते थे, आजकल मशीनों से तैयार होता है, तो उससे धागा तैयार होता है, और धागा से फिर कपड़ा बीना जाता है. जो सूती वस्त्र होते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं. ये हमने देखा. कॉटन हैज़ बीन ऑफिशियली कॉल्ड यूनिवर्सल फाइबर. इसे ऑफिशियली यूनिवर्सल फाइबर के नाम से जाना जाता है. तो ये हमने कॉटन के बारे में देखा. ये मालवेसी फैमिली का है, ये भी याद रखिएगा. यहाँ जो आप टेबल देख रहे हैं, इसमें मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, मतलब जो मुख्य पूरी दुनिया में फैली हुई फसलें हैं उनके नाम एक तरफ दिया हुआ है, ये लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में इसकी जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके नाम दिया हुआ है. तो देख लीजिए, पहले राइस है, यानी चावल. उत्पादन में सबसे आगे कौन है? चीन है. यहाँ आप देख सकते हैं राइस का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो चीन है. दूसरे नंबर पर अपना इंडिया है, इसके बाद इंडोनेशिया है, और ये जो क्रम है ये लगातार बदलता रहता है. इसके बाद वीट, यानी गेहूं के उत्पादन में जो अग्रणी राष्ट्र है उसमें चीन का नाम है, इंडिया का नाम है, यूएसए है, रशिया है, फ्रांस है, कनाडा है. बार्ली यानी जौ की बात की जा रही है, तो फ्रांस, जर्मनी, जौ होता है और ज्वार होता है, ये दो चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों की यहाँ बात की जा रही है. फिलहाल बार्ली को देखिए, तो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह से ओट जो होता है इसको रशिया, कनाडा और यूएसए में ज़्यादा पैमाने पर पाया जाता है, यहाँ से इनका उत्पादन होता है. मेज यानी मक्के की बात की जा रही है, तो मक्का जो है सबसे बड़ा उत्पादक इसका अमेरिका है, वहाँ पर इससे बायोडीजल तैयार किया जाता है. मक्के का उपयोग खाने में कम किया जाता है और ऊर्जा उत्पादन में ज़्यादा किया जाता है. अपने देश में रतनजोत नाम का पौधा होता है जिसे कि जेट्रोफा कहा जाता है, उससे बायोडीजल तैयार किया जाता है. वैसे ही अमेरिका में बायोडीजल तैयार करने के लिए ये जो मेज है इसका यूज़ किया जाता है. इसके अलावा इसके बड़े उत्पादकों में चाइना का नाम भी है, ब्राज़ील भी है और मैक्सिको भी है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें शीर्ष उत्पादक कौन है, अभी भी बना हुआ है, यूएसए. इसके बाद ऑयल सीड्स को देख लीजिए, तो ऑयल सीड्स में यूएसए सबसे आगे है, उसके बाद चाइना और इंडिया है, मतलब ये बड़े प्रोड्यूसर हैं. आगे पीछे वाला क्रम चलता रहता है, मतलब ये जब आंकड़े अपडेट होते हैं, प्रोडक्शन वाला आंकड़ा, हर साल का जो मिनरल और जो कॉर्प्स का आंकड़ा है वो अपडेट होता है, तो ये डाटा अपने आप बदल जाते हैं. इसमें जो देश है वो आगे पीछे होते रहते हैं, तो ये लिस्ट ऊपर नीचे होती है, लेकिन जो बड़े प्रोड्यूसर हैं वो नाम उनका यहाँ स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है. तो बड़े उत्पादकों के तौर पे आप ये देखिएगा, इसमें क्रम मत देखिएगा. क्रम इसलिए नहीं देखना है क्योंकि इसका प्रोडक्शन का जो लेवल है वो हर साल चेंज होता है. कभी किसी देश ने ज़्यादा उपजाया और कभी किसी देश ने ज़्यादा उपजाया. बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक देश लंबे समय से किसी एक स्थान पर टिका रहता है. फिलहाल ऑयल सीड्स को आप देख लीजिए, इसका जो बड़ा उत्पादक क्षेत्र है उसमें यूएसए आता है, चाइना आता है और इंडिया आता है. सोयाबीन को आप देख लीजिए, यूएसए, ब्राज़ील और अर्जेंटीना इसमें आते हैं, मतलब बड़े प्रोड्यूसर के तौर पे. शुगर केन में ब्राज़ील का फर्स्ट पोजीशन है, अभी भी है. इंडिया है, चाइना है. शुगर बीट है, इसको देख लीजिए, तो इसमें यूक्रेन का पहला स्थान है, फ्रांस है, उसके बाद जर्मनी है. टी के उत्पादन में इंडिया, चाइना, श्रीलंका, और अभी जो पिछला आंकड़ा आया था उसमें चाइना आगे हो गया था. कॉफ़ी को देख लीजिए, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, कोकोआ, इसके लिए आइवरी कोस्ट और इंडोनेशिया वाला क्षेत्र आता है. कॉटन के उत्पादन में चाइना, यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान का नाम आता है. यहाँ से कॉटन यानी फाइबर जो है वो पैदा होता है. इसके बाद जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है अपने देश में उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है. तो यहाँ तक जो टेबल आपने देखी है इसमें कई जो क्रॉप्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं और उनके जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं उनके नाम जो राइट साइड वाली टेबल का हिस्सा है उसमें आप देख रहे हैं. तो फसल और उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके नाम हमने देख लिए. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टेबल का पोर्शन है उसमें जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, मतलब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर उस जमीन के बेकार हो जाने पर खेती की जाने लगती है, इसको हम लोग स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं. इसे भारत में किन किन नामों से संबोधित किया जाता है वो दिया हुआ है. तो झूम है, इसके अलावा वेबार या दाहियार है, दीपा है, जारा है, एरिका है, ये सब नाम है इसके. तो झूम कृषि जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न वाली जो इंडिया का हिस्सा है उसमें पाई जाती है, मतलब पूर्वोत्तर भारत की बात की जा रही है. इसके बाद दीवर और जो दहियार है वो है तो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है. दीपा है ये जो बस्तर, दुर्ग और बस्तर वाला क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है, मतलब इस प्रकार की खेती की जाती है और वहाँ की जो ट्राइब्स होती हैं, जनजातियाँ होती हैं, वो इस खेती को इस्तेमाल करती हैं. उनका कुछ निश्चित नहीं होता, एक तो वो खानाबदोश होती हैं ज़्यादातर, जहाँ खाना मिला और जहाँ उत्पादन होने लगा वहीं रुक गए,
उनमें घूम घूम कर जगह जगह निवास करने की प्रकृति होती है और जंगल को वो अपने अधिकार क्षेत्र में समझती हैं। ये जानती हैं कि जंगल उनके कॉपीराइट में आता है और वो उसमें से मनमाने तरीके से अपने रिसोर्सेज को निकाल सकती हैं, और इसी चक्कर में वो जंगलों को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचाती हैं। जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जनजातियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर उनका जो जीवन होता है वो जंगल आश्रित होता है। लकड़ी के मामले में, भोजन के मामले में, किसी भी तरीके से वो जंगल पर सबसे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। लेकिन जंगल को सबसे ज़्यादा हानि भी वही पहुँचाते हैं, अनजाने में ही सही, जानबूझकर नहीं करते, अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, और यूज़ नहीं करते बल्कि मिसयूज़ करते हैं। तो उसमें से यह जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, यह भी आती है। मतलब एक ज़मीन पर उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया और कुछ समय बाद वहाँ से जो उपजाऊपन है वो कम हो गया। स्वाभाविक है, मिट्टी में अगर जो फसल चक्र है उसका सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, यूज़ न किया जाए, तो मिट्टी की उत्पादकता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वो उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं करते बल्कि उस स्थान को छोड़ देते हैं और दूसरे जगह जंगल को काट कर साफ करते हैं और वहाँ पर खेत बना लेते हैं कि सारी इतनी ज़मीन तो पड़ी हुई है, मतलब इतनी ढेर सारी तो ज़मीन है, इसको कोई मतलब इसका उपभोग करने वाला है नहीं, तो हम ही कर लेते हैं, ये सोच के वो ऐसा करते हैं। तो फिलहाल ये जो कृषि है ये काफ़ी नुकसानदेह होती है, पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसी प्रकार से दीपा है, ये बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। इसके अलावा जारा और एरेका है, ये साउदर्न स्टेट जो है वहाँ पर है, ये भारत की बात की जा रही है। और भी है, बत्रा है, ये साउथ जो साउथ ईस्टर्न राजस्थान वाला पोर्शन है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। पोडू है, आंध्र प्रदेश। कुमारी है, ये जो हिली रीजन है वेस्टर्न घाट का, मतलब केरला वाला क्षेत्र, वहाँ पर की जाने वाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। कमन, विंगा और जो धावी है ये ओडिशा का है, मतलब ओडिशा में की जाने वाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन की टेक्निक है। अलग अलग नामों से विभिन्न क्षेत्रों में जानते हैं इन्हें, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है कि ये सब जो है ये शिफ्टिंग वाली प्रणाली पर आधारित कल्टीवेशन का प्रोसेस है और ये इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये हमने देखा। अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। यहाँ पर हम मत्स्य पालन या मत्स्यन जो होता है उसको देखेंगे और इसके अलावा जो पशुपालन होता है उसको देखेंगे। मतलब पशुओं के बारे में हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं और जो मछलियाँ हैं, मतलब मछलियों का पालन किया जाता है, मनुष्य अपने फायदे के लिए करता है व्यापारिक उद्देश्य से, उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको देख लीजिए। एशिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो एशिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में पशु पाए जाते हैं। इट हैज़ अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल पॉपुलेशन। पूरे विश्व में जो पशुओं की संख्या है, मतलब जानवरों की संख्या है, या ये कह लीजिए कि जनसंख्या है, उसमें करीब 40% एशिया का ही योगदान है। 40% जो एनिमल्स हैं वो अकेले एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। न्यूट्रिशनल फीड इज वाइडली फाउंड इन वेस्टर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जो न्यूट्रिशनल फीड है, मतलब पोषक चारा है, उसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पे है, तो ये वेस्टर्न यूरोप में है, यूनाइटेड स्टेट में है, मतलब अमेरिका वाला पोर्शन, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में चराई के लिए बढ़िया क्षेत्र पाए जाते हैं, और न्यूजीलैंड वाले पोर्शन में भी चारागाह अच्छे पैमाने पर मिलते हैं जहाँ पशुओं को या मवेशियों को चराया जा सकता है। कॉमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री इज डन इन 5 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो ये कॉमर्शियल यानी औद्योगिक तौर पर पशुपालन किया जाता है, यह पूरे विश्व में 5 भागों में किया जाता है, मतलब 5 हिस्सों में किया जाता है। देख लीजिए, सबसे पहले जो प्रेरी रीजन है उसकी बात की जा रही है। प्रेरी एंड वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये पहला पोर्शन है जहां पर जो एनिमल हस्बेंड्री है वो कॉमर्शियल स्ट्रक्चर में की जाती है। इसके अलावा लानोस वाला पोर्शन है, लानोस और पंपास रीजन, ये साउथ अमेरिका का है, आप जानते ही है। लानोस और पंपास ये रीजन कहाँ पे है, साउथ अमेरिका का हो गया। तो साउथ अमेरिका में जो कॉमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री वाला क्षेत्र है या पार्ट है वो इस दायरे में आता है। वेल्ड रीजन, तो वेल्ड कहाँ पर, ये साउथ अफ्रीका की बात की जा रही है, तो वेल्ड रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ये सब घास के मैदान है, ये तो आप समझ ही गए, चाहे वो प्रेयरी हो, लानोस हो, पंपास हो, वेल्ड हो, डाउन्स हो, इन सब नामों का यहाँ पे नामों का जिक्र किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, घास के मैदान है, और घास के मैदानों की ही मवेशियों को या जितने भी इस प्रकार के एनिमल्स हैं, शाकाहारी जीव हैं, उनको आवश्यकता होती है। इन सबको हमने देखा, तो ये 4 हिस्से हैं जिसमें कि पूरा जो कॉमर्शियल स्ट्रक्चर है एनिमल हस्बेंड्री का वो बटा हुआ है। प्रेरी है, प्रेरी एंड वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद लानोस और पंपास रीजन जो साउथ अमेरिका का है वो है, वेल्ड रीजन जो साउथ अफ्रीका का है वो पाया जाता है, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ये सब इसमें मिलते हैं। इसके अलावा जो 5वां है वो कौन सा है, तो ईस्ट ऑफ कैस्पियन सी एंड नॉर्थ ऑफ अरेबियन सी, मतलब कैस्पियन सी का जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ पर,
और उसके अलावा जो अरेबियन सी का नॉर्थ वाला पोर्शन है वहां पर भी एनिमल हस्बेंड्री का लिया हस्बेंड्री के लिए क्षेत्र पाया जाता है। और ये जो 5 पार्ट्स हमने देखे पूरी दुनिया में, यहाँ पर कॉमर्शियल तरीके से जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको किया जाता है। वैसे घरेलू तरीके से मतलब जो डोमेस्टिक यूज होता है उसमें तो लगभग हर क्षेत्र में पाए जाएंगे, हर क्षेत्र में पशुपालन होता है, छोटे बड़े जो झुंड है मवेशियों के वो लोग रखते हैं। लेकिन कॉमर्शियल स्ट्रक्चर में जहाँ पर रखे जाते हैं पशु, वो 5 भाग हैं पूरी दुनिया में, और उन 5 भागों को हमने देख लिया। और ये सभी घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। इसमें सिर्फ जो 5वां वाला है वो क्षेत्र इस बड़े पैमाने वाले घास के मैदानों में ग्रासलैंड में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ चराई के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। इसमें ईस्ट ऑफ कैस्पियन सी है और नॉर्थ ऑफ अरेबियन सी है, इसे हमने देखा। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम एन इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इकोनॉमिकल और जो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो एनिमल हस्बेंड्री है वो किस मायने में फ़ायदेमंद है, उससे हमें क्या क्या मिलता है, पशुपालन से हमें कौन कौन से लाभ हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, जो मवेशी होते हैं उनसे हमें बहुत तरह के लाभ होते हैं, और भी विभिन्न प्रकार के पशु होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो होता है दूध, दुग्ध उत्पादन या दुग्ध से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं, मतलब मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो बनते हैं वो दुधारू पशुओं से बनते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और दूसरा जो फायदा होता है वो मांस का होता है। तो सबसे पहले वाले को देख लेते हैं। द टेम्परेट वेट क्लाइमेट वाइड नेचुरल पास्टर्स एंड ग्रासलैंड बेस्ट ब्रीड, इसके अलावा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें ज़्यादा मात्रा में इंक्रीजमेंट, यह सब दिखाई देता है। ये कहा गया है कि जो टेम्परेट और वेट क्लाइमेट होता है, मतलब जो उष्ण आर्द्र क्षेत्र होता है उसकी बात की जा रही है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर पॉस्चर्स और ग्रासलैंड होते हैं, मतलब चारागाह पाए जाते हैं और घास के मैदान होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मवेशी हैं उनकी उन्नत प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो बेस्ट ब्रीड्स हैं वो यहाँ पर मिलती हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। यह सब मेजर फैक्टर होते हैं, आर द मेजर जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट क्रिएट फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर डेयरी बिजनेस। इसी कारण से यहाँ पर जो दुग्ध उत्पादन क्षेत्र है वो बन जाता है और यहाँ पर डेयरी उद्योग बड़े पैमाने पर फलता फूलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ उसके लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। ये क्षेत्र कौन सा है? टेम्परेट वेट क्लाइमेट वाला एरिया है। ये जहाँ भी मिलता है वहाँ वाइड नेचुरल पास्चर्स होते हैं, मतलब बड़े पैमाने पर प्राकृतिक जो चारागाह होते हैं वो फैले होते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं बड़े बड़े। यहाँ पर नस्लें भी अच्छी अच्छी होती हैं मवेशियों की, जो कि दुधारू होती हैं, उत्पादक ज़्यादा होती हैं, और इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी अच्छी खासी होती है। इन्हें भोजन पानी मिलेगा तो इनकी संख्या बढ़ेगी। यह सब यहाँ मेजर जियोग्राफिकल फैक्टर होते हैं जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं, मतलब जो डेयरी बिजनेस होता है उसके लिए। अब ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं तो देख लीजिए, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आर द लीडिंग कंट्रीज इन द मिल्क बिजनेस। अगर दुग्ध के व्यापार की बात की जाए, मतलब दूध व्यापार की बात करें, तो इस मिल्क बिजनेस में जिन देशों का नाम लिया जाता है उसमें वेस्टर्न यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन सब का नाम आता है। ये तो हमने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को देखा। इसके बाद जो दूसरा हमें फ़ायदा होता है वो है मीट का। मेनली मीट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम काऊ, बुल्स, शीप, पिग्स एंड गोट्स। जो मीट है यानी मांस है वो अलग अलग जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे कि गाय है, इसके अलावा बैलों का मांस है, भेड़ों का मांस है, बकरियों का मांस है और सुअरों का मांस है। तो ये सब जो मीट है इसके लिए भी बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता है। इंग्लैंड इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मीट इम्पोर्टर नेशन। यहाँ पर इंग्लैंड जो है वो मांस इम्पोर्टर नेशन के रूप में जाना जाता है और यह पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, ये यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ दी हुई है। तो दो फायदे हमने देखे जो कि पशुओं के द्वारा, एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा हमें प्राप्त होते थे। एक तो मिल्क का प्रोडक्शन था और दूसरा मीट था। इसके अतिरिक्त ऊन का भी फायदा होता है। बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जिनसे कि ऊन प्राप्त होता है। वूल क्लोथ इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गोट, कैमल एंड लामा। अलग अलग जीव होते हैं, सिर्फ भेड़ ही नहीं होती, भेड़ तो मुख्य पैमाने पर ऊन उत्पादक होती हैं, उसके अलावा बकरियाँ भी होती हैं। कुछ प्रजातियों की जो बकरियाँ होती हैं उनके भी बाल, उनके जो रेशे होते हैं शरीर के, उनको बतौर ऊन या वूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उससे विभिन्न प्रकार की शालें बनती हैं और तरह तरह के जो ऊनी वस्त्र हैं उनका निर्माण होता है। ऊँट के ऊन का भी यूज़ किया जाता है और जो लामा होते हैं उनका भी इस्तेमाल यहाँ ऊन के लिए करते हैं। शीप वूल इज़ अ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। अब यहाँ पे जो शीप का वूल है, मतलब भेड़ का ऊन है, उसकी बड़ी महत्ता है, ज़्यादा महत्व है, और बड़े पैमाने पर जो ऊन का उत्पादन है वो भी भेड़ से ही होता है। खास तौर पे जो ऑस्ट्रेलिया की भेड़ हैं वो तो इस मामले में सबसे ऊपर रहती हैं। उनकी हर साल में 2 बार छटाई करनी पड़ती है, अगर छटाई नहीं की जाए तो वो इतना ज़्यादा ऊन से लद जाएंगी कि वो अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएंगी।
उनका ऊन उत्पादन का जो क्षेत्र होता है वो काफी बड़ा होता है, मतलब बहुत तेज वहां पे ऊन का प्रोडक्शन होता है। तो ये हमने देखा, ये वूल की मतलब वूल का फायदा था, ऊन के उत्पादन से हमें जानवरों से होने वाले फायदे को यहाँ दर्शाया गया है। अब आप फिशिंग के बारे में देख लीजिए, फिश इज अ प्रोटीन रिच फूड, मछली जो है वो प्रोटीन से भरपूर आहार के रूप में देखी जाती है। अराउंड 30,000 स्पीशीज ऑफ फिश आर फाउंड इन द वर्ल्ड, करीब 30,000 से भी ज़्यादा जो मछली की प्रजातियाँ हैं वो पूरे विश्व में पाई जाती हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन कोस्टल रीजन, जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण व्यापार के तौर पे या उद्योग के तौर पर देखी जाती है। इन विच द लेटेस्ट टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड फ्रॉम एंशियंट रेमेडीज़, यहाँ पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको एंशियंट रेमेडीज़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वाटर देयर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ फिशेज, मतलब यहाँ पर जो वाटर का नेचर होता है, पानी की प्रकृति होती है, उसको अगर बेस बनाया जाए या उसको आधार बनाया जाए तो दो प्रकार की फिशेस पाई जाती हैं। एक तो फ्रेश वाटर की फिशेस होती हैं, मतलब ताजे पानी की मछलियाँ होती हैं, और दूसरी जो सेलाइन वाटर होता है, साल्ट वाटर होता है, उसमें पाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं। 90% ऑफ फिश इज कॉट फ्रॉम सी, जो मछलियों का फंसाने का काम होता है, मतलब मछली मारने की जो प्रणालियाँ होती हैं, मतलब विधियाँ होती हैं, उसमें 90% जो है वो सी से इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब मछलियों को मारने का जो प्रोसेस है वो सी से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा 10% जो मछलियाँ होती हैं वो फ्रेश वाटर से फंसाई जाती हैं। 90% समुद्र से मछलियों का उत्पादन किया जाता है और 10% जो है वो फ्रेश वाटर, मतलब नदी और जो झील वगैरह होती हैं वहाँ से मछली मारने की क्रिया होती है। ये हमने देखा। तो फिशिंग ये एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री के तौर पर देखी जाती है जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर, और ये प्रोटीन रिच फूड होता है, इस मामले में इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पर हैं और उनमें जो इंडस्ट्रियल सेंटर है वो कैसा है, कहाँ पर है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आप कंट्री देख रहे हैं, इसमें एक टेबल बनी हुई है और टेबल के तीन पार्ट हैं, तीन इसमें कॉलम है। अब इन कॉलम्स में जो पहला है उसमें कंट्री लिखा हुआ है, दूसरे वाले कॉलम में इंडस्ट्रियल जो सेंटर है वो लिखे हुए हैं, और तीसरे वाले कॉलम में जो एकदम राइट साइड वाला है उसमें इंडस्ट्री लिखी हुई है। सबसे पहले जिस कंट्री को आप देख रहे हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA है। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेंटर है यानी औद्योगिक केंद्र है वो कौन कौन से हैं, तो पिट्सबर्ग है, लॉस एंजल्स है, शिकागो है और डेट्रॉयड है। इनके नाम आप देख रहे हैं, इसमें जो इंडस्ट्रियल सेंटर है उन्हें आप देख रहे हैं, पिट्सबर्ग है, इसके अलावा लॉस एंजल्स है, शिकागो है और डेट्रॉयड है। यहाँ जो इंडस्ट्री है उसको भी देख लीजिए, आयरन एंड स्टील, इसके अलावा फिल्म और जो एयरक्राफ्ट है। लॉस एंजल्स का संबंध फिल्म उद्योग से है, इसके अलावा एयरक्राफ्ट से भी है। मीट प्रोसेसिंग, जो मीट की प्रोसेसिंग है मतलब मांस प्रसंस्करण, उसके लिए शिकागो का नाम आता है। और डेट्रॉयड को आप जानते ही हैं, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। तो USA में जो इंडस्ट्रियल सेंटर है वो कुल मिलाकर चार है मुख्य रूप से, पिट्सबर्ग है, लॉस एंजल्स है, शिकागो है और डेट्रॉयड है। यहाँ जो उत्पादन होता है किस चीज़ का होता है, तो पिट्सबर्ग से आयरन और स्टील का होता है। लॉस एंजल्स में फिल्म उद्योग है बड़े पैमाने पर, और उसके अलावा एयरक्राफ्ट का जो मटेरियल है वो यहाँ पे जनरेट किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन होता है। शिकागो में मीट प्रोसेसिंग का पूरा बड़ा व्यापार है, उद्योग है। डेट्रॉयड में ऑटोमोबाइल्स का पूरा सेक्टर डेवलप हुआ है, इसे हमने देखा। इसके बाद जो अगली कंट्री है वो है कनाडा। तो कनाडा में आप देख लीजिए, मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है, ओटावा है और हैमिल्टन है। तो मॉन्ट्रियल में शिप्स और जो एयरक्राफ्ट का सामान होता है वो तैयार किया जाता है। इसके अलावा टोरंटो भी इसी का केंद्र है। ओटावा को आप देख लीजिए, तो ओटावा में इंजीनियरिंग और जो ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर है वो पाया जाता है। इसके अलावा हैमिल्टन भी इस क्षेत्र में जाना जाता है। तो मॉन्ट्रियल, टोरंटो, ओटावा और हैमिल्टन ये मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं किसके, कनाडा के। और यहाँ से जो उत्पादन होता है, जिस चीज़ की इंडस्ट्री है उसमें शिप्स का है, मतलब जो पानी वाले जहाज होते हैं उनको बनाने का काम यहाँ होता है। एयरक्राफ्ट्स का जनरेशन होता है, उनको उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उन्हें यहाँ पे मतलब उसका प्रोडक्शन होता है। और इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल वाला जो सेक्टर है वो भी यहाँ बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। इससे पहले हमने जो अमेरिका वाला हिस्सा था, मतलब USA वाला, उसमें देखा ऑटोमोबाइल का सेक्टर ये डेट्रॉयड में बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, वैसे ही यहाँ कनाडा में भी ऑटोमोबाइल से संबंधित चीज़ें बनती हैं। अगला जो इसमें पड़ाव है और भी है, पेपर इंडस्ट्री है, आयरन और स्टील, मतलब आयरन और स्टील इंजीनियरिंग वाला जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पर है। ब्रिटेन को आप देख लीजिए, ब्रिटेन में मैनचेस्टर है, लंदन है और ब्रेडफोर्ड है। तो मैनचेस्टर में कॉटन टेक्सटाइल, लंदन में इंजीनियरिंग और उसके साथ साथ क्या, ट्रांसपोर्ट, और जो ब्रेडफोर्ड है वहाँ पर वूलन टेक्सटाइल,
ब्रिटेन वाला जो क्षेत्र है वहां पर मैनचेस्टर, लंदन और ब्रेडफोर्ड है। जो इंडस्ट्री यहाँ पे है वो कौन कौन सी है? कॉटन टेक्सटाइल, इसके अलावा इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट वाला सेक्टर है, और वूलन टेक्सटाइल, इसे हमने देखा। अगला जो है वो फ्रांस है, फ्रांस में पेरिस है, इसके अलावा पेरिस, लॉरेन शायर, कैंपेनेज और बोर्डॉक्स वाला जो रीजन है वो इसमें आता है। तो फ्रांस में जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट वाला एरिया है, आयरन और स्टील वाला पोर्शन है, वाइन और लिक्वर का यहाँ क्षेत्र है। ये जो कैंप शैम्पेन और बोर्डॉक्स वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आप देखेंगे तो वाइन और लिक्वर का बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल यूज होता है या यहाँ फार्मेशन होता है। शैम्पेन वाला जो क्षेत्र है यहाँ से शराब बनती है, उसमें वाइन है और लिक्वर वाला पूरा जो पोर्शन है यहाँ पे जनरेट किया जाता है। जर्मनी को आप देख लीजिए, यहाँ पे डोरमंड है, इसके अलावा फ्रैंकफर्ट है। तो डोरमंड जो है यहाँ से आयरन और स्टील का फार्मेशन होता है, फ्रैंकफर्ट से इंजीनियरिंग और जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीज़ें हैं वो बनती हैं। रशिया को आप देख लीजिए तो रशिया में मॉस्को और गोर्की है, आयरन स्टील और जितना भी केमिकल वाला उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो यहाँ पर लगी हुई है। ब्राज़ील को आप देखिएगा तो यहाँ साओ पाउलो है, टेक्सटाइल और कॉफ़ी की इंडस्ट्रियाँ यहाँ पाई जाती हैं, इसे हमने देखा। इसके अलावा रियो डी जेनेरियो है, ये भी ब्राज़ील का ही हिस्सा है, इसकी राजधानी है, आप जानते हैं। यहाँ पर टेक्सटाइल और कॉफ़ी का जो फार्मेशन है वो होता है, इसे हमने देखा। मतलब वस्त्र उद्योग और कॉफ़ी उद्योग यहाँ बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, ये हमने यहाँ जिक्र किया। अर्जेंटीना में अगर आप देखिएगा तो ब्यूनर्स आयर्स वाला जो पोर्शन है वहाँ पर शिप बिल्डिंग होती है, यानी जहाज़ का निर्माण किया जाता है, और ला प्लाटा वाला जो एरिया है वहाँ एयरक्राफ्ट, केमिकल्स और आयरन और स्टील का जो इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो पाया जाता है। स्वीडन को आप देखेंगे तो यहाँ स्टॉकहोम वाला पोर्शन, यहाँ शिप बिल्डिंग होती है। डेनमार्क में जो कोपेनहेगन वाला क्षेत्र है वहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री है, दुग्ध उत्पादन का उद्योग पाया जाता है वहाँ पर। वेनेजुला में आप अगर देखिएगा तो यहाँ पर ऑयल रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। जापान में जो नगोया वाला क्षेत्र है एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है उसे, इसके अलावा जितनी भी मशीनरी होती है वो वहाँ निर्मित होती है। ओसाका में आप देखिए, ओसाका में भी मशीनरी उद्योग है, इसके अलावा शिप बिल्डिंग का प्रोसेस होता है। टोक्यो में अगर आप देखिएगा तो टोक्यो में भी शिप बिल्डिंग और इसके अलावा इंजीनियरिंग के भी कुछ सेक्टर यहाँ पाए जाते हैं। इसी प्रकार से टेक्सटाइल उद्योग भी है और आयरन स्टील जो प्लांट है वो भी जापान में इन क्षेत्रों में मिलते हैं। तो क्षेत्र कौन कौन से हैं यहाँ पर? जो नगोया है, ओसाका है और टोक्यो है, ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं। और देख लीजिए चाइना में, तो चाइना में शंघाई है, वुहान है और बीजिंग है। वुहान यानी कोरोना वायरस, आजकल इसी नाम से वुहान को जाना जाता है, वहाँ कोरोना वायरस की फैक्ट्री है ऐसा लोगों का मानना है फिलहाल। तो शंघाई को देख लीजिए, यहाँ पर टेक्सटाइल और मशीनरी वाला जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो लगी हुई है। वुहान में शिप्स, आयरन और स्टील का जो कारोबार है वो फैला हुआ है। बीजिंग में टेक्सटाइल और मशीनरी उद्योग, ये बड़े पैमाने पर होता है। इतना हमने देखा। तो यहाँ हम अलग अलग देशों के बारे में देख रहे थे और उनका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, सेंटर पॉइंट था, उसको हमने देखा और वहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन होता है इसे जानने की कोशिश की। हमारा जो अगला पड़ाव है वो है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट, विश्व यातायात। तो वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट यानी यातायात की जो प्रणाली है वो कई विधि द्वारा होती है, पानी के द्वारा होती है, हवा के द्वारा होती है और ज़मीन पर होती है। तो तीनों ही प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट हैं उनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हाईवेज हैं, राजमार्ग हैं, उनको देख लीजिए। उसके बाद जो जल मार्ग है, वाटरवेज हैं, उनको देखेंगे। तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे को देखिए, सबसे पहले नंबर पर है। इट इज़ अबाउट 9600 किलोमीटर लॉन्ग एंड कनेक्ट द कोस्ट। अब यहाँ पर ये जो इसकी लंबाई है ये कितनी है? 9600 किलोमीटर टोटल है। और यह किस चीज़ को जोड़ता है? तो कोस्ट ऑफ बोथ द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन, मतलब पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन, अर्थात प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों का जो कोस्टल एरिया है उसको ये जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा अलास्का हाईवे है। तो अलास्का हाईवे जो है ये कनेक्ट द सिटी ऑफ एडमोंटन इन कनाडा टू अलास्का। यहाँ पे ये जो अलास्का हाईवे है, नाम से स्पष्ट है कि ये अलास्का से संबंध रखता है। तो ये अलास्का वाले क्षेत्र को जो कनाडा का पोर्शन है एडमोंटन वाला, वहाँ से जोड़ने का प्रयास करता है या जोड़ता है, मतलब कनेक्ट करता है। तो दो हाईवेज को हमने देखा, पहला तो ट्रांस कनेडियन था और दूसरा अलास्का का जो हाईवे था वो था। इसके बाद जो स्टर्ट हाईवे है उसको देख लीजिए। इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच कनेक्ट द बेडम सिटी इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया टू मेलबर्न सिटी इन साउदर्न ऑस्ट्रेलिया वाया एलिस स्प्रिंग्स एंड टेनेंट क्रिक। यहाँ पर ये जोड़ने का काम करता है किस चीज़ को? जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है उसको साउदर्न ऑस्ट्रेलिया वाले पोर्शन से ये अटैच करने का काम करता है। ये ऑस्ट्रेलिया वाले कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और ये लॉन्गेस्ट है वहाँ पर, सबसे लंबा है, इसे हमने देखा। इसके बाद चाइना नेशनल हाईवे को देख लीजिए। इट इज़
5,700 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे कनेक्टिंग टोंगजियांग हाईवे एंड सनाया, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है इन्हें जोड़ने का काम करता है और ये 5,700 किलोमीटर टोटल लंबा है। ये चाइना के नेशनल हाईवे की बात की जा रही है। कुछ जो बड़े बड़े नेशनल हाईवे हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पैन है, अमेरिकन हाईवे, इसको भी देख लीजिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड प्रपोज टू कनेक्ट साउथ अमेरिकन सिटीज़। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, व्यापक है, और ये किस चीज़ को जोड़ता है, जो साउथ अमेरिकन सिटीज़ थी उनको सेंट्रल अमेरिकन सिटीज़ एंड सिटीज़ ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब पूरे अमेरिका को ये कनेक्ट करने का काम करता है। इसमें साउथ अमेरिकन सिटीज़ भी आती हैं, जो सेंट्रल अमेरिकन सिटीज़ हैं वो भी आती हैं, और जो नॉर्थ अमेरिकन सिटीज़ हैं मतलब वो वाला पोर्शन है जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आता है, वो सब इसमें कनेक्ट होते हैं। इसके द्वारा ये कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ये हमने देखा। अब आप रेल ट्रांसपोर्ट को देख लीजिए। ये तो लैंड वाला जो एरिया था वहाँ पर जो हाईवे बने हुए थे उसको हमने देखा। लैंड वाले ही पोर्शन में जो रेलवे वाला यातायात है उसको हम देखते हैं। पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल रोड, मतलब ये रेल मार्ग है कैसा, ट्रांस साइबेरियन। इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन ईयर 1891। इसका जो निर्माण कार्य था, कंस्ट्रक्शन था, वो 1891 में स्टार्ट हुआ था एंड वॉज कम्प्लीटेड इन द ईयर 1905, और यह बनकर पूरा हुआ 1905 में। इट इज़ द लॉन्गेस्ट 9,289 किलोमीटर रेल रोड इन द वर्ल्ड। अगर रेल मार्ग की बात करें तो ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, और इसकी लंबाई कितनी है, 9,289 किलोमीटर है। इट कनेक्ट द सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग टू द वेस्ट ऑफ द यूरेशियन कॉन्टिनेंट। यह जोड़ने का काम करता है किस चीज़ को, जो पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग नाम का शहर है उसको, मतलब वहाँ से ये कनेक्ट करने का काम करता है जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट है उसको, विद द सिटी ऑफ व्लादिवोस्टोक ऑन द कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। मतलब ये आता कहाँ से है, शुरुआत इसकी होती है सेंट पीटर्सबर्ग से, और ये है कहाँ पर, तो वेस्ट ऑफ द यूरेशिया, और वहाँ से चलते हुए ये पहुँचता है व्लादिवोस्टोक तक। और व्लादिवोस्टोक है कहाँ पे, तो ऑन द कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ तक। तो इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी खासी है, और इसका निर्माण 1891 में आरंभ किया गया था, और ये बनकर पूरा हुआ 1905 में। 1891 से लेकर 1905 तक लगातार इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहा और इसका फॉर्मेशन हुआ। इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसे लॉन्गेस्ट कहा गया है पूरे वर्ल्ड में। मतलब ये पूरी दुनिया की सबसे लंबी रेल रोड है या रेल मार्ग है। लंबाई कितनी है, 9,289 किलोमीटर। इसकी दूरी कहाँ से कहाँ तक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक है, इसे हमने देखा। इसके बाद जो दूसरे नंबर का रेल रोड है वो है कैनेडियन पैसिफिक रेल रोड, इसको देख लीजिए। इट्स लेंथ इज़ 5,600 किलोमीटर। इट एक्सटेंड फ्रॉम द सिटी ऑफ सेंट जॉन्स इन न्यू ब्रंसविक, लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ कैनेडा, टू द वैंकूवर इन द वेस्ट। ये जो कैनेडियन पैसिफिक रेल रोड है ये कितनी लंबी है, तो ये इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर तुलना करें ट्रांस साइबेरियन से तो उसकी तुलना में ये कम है, हालांकि ऐसे अगर देखेंगे तो ज़्यादा ही है। 5,600 किलोमीटर ये लंबा है, ये सेकेंड पोजिशन पर है, और ये फैला कहाँ से कहाँ तक है, तो सिटी यहाँ पर सेंट जॉन्स जो सिटी है वहाँ से लेकर ये न्यू ब्रंसविक की बात की जा रही है। यहाँ आप देख रहे हैं सेंट जॉन्स इन न्यू ब्रंसविक लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ कनाडा। ये स्थान कहाँ पर है, ये कनाडा के ईस्ट में है, यहाँ से लेकर वैंकूवर तक ये फैला हुआ है वेस्ट में, मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इसका पूरा प्रसार है। वेस्ट में ये वैंकूवर तक गया है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, सेंट जॉन्स वाले क्षेत्र से हुई है जो कि न्यू ब्रंसविक का हिस्सा है, इसे हमने देखा। इसके अतिरिक्त जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है उसको देख लीजिए। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेल रोड इन ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रेल रोड है। विच कनेक्ट द सिटी ऑफ सिडनी इन द ईस्ट विद द सिटी ऑफ पर्थ इन द वेस्ट। ये सिडनी शहर को, सिडनी शहर जो है ऑस्ट्रेलिया का वो किधर है, ईस्ट में है, ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने का काम करता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पोर्शन है सिडनी वाला, वहाँ से ये शुरुआत होती है इसकी, और ये चला जाता है जो पर्थ वाला एरिया है वहाँ तक। पर्थ कहाँ पे, ये वेस्ट में है, तो वहाँ तक ये जाता है और इन्हें आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब सिडनी और पर्थ के बीच में ये लिंक रोड की तरह से चला गया है। और ये है क्या, तो ये रेलवे है, इसका नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, ये तीसरे नंबर पर आता है। इसके बाद आप एयर ट्रांसपोर्टेशन को देख लीजिए। आपने हाईवेज को देखा, रेलवेज को देखा, ये लैंड एरिया वाला था। अब हवा में यातायात कैसे होता है, तो आप जानते ही हैं सबसे बड़ा साधन एरोप्लेन होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट बट मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स। ये जो है, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब है हवाई यातायात,
ये सबसे तेज होता है, इसकी रफ्तार सबसे तेज होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा खर्चीला भी होता है। सबसे महंगा जो यात्रा होता मतलब यात्रा का तरीका है वो यही है, एयर ट्रांसपोर्ट। एयरवेज आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब जो एयरवेज हैं यानी वायु मार्ग हैं, उन्हें भी अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो आइए उनके प्रकार देख लेते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल ग्लोबल एयरवेज, ये पहला प्रकार है। इसी प्रकार से कॉन्टिनेंटल एयरवेज है, नेशनल एयरवेज है, और भी हैं। तो पहले सबसे पहले वाले को देखते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी अंतर महाद्वीपीय जो वैश्विक वायु मार्ग हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। यह जो ग्लोबल एयरवेज हैं इसके बारे में यहाँ तीन लाइनें सिर्फ लिखी हैं, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एयर ट्रेवल रूट, यह सबसे बड़ा हवाई यातायात का मार्ग है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। सच एज न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, कैरो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो एयरवेज। इसमें कितने सारे क्षेत्र जुड़े हुए हैं, इसको आप देखकर इसकी लंबाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये शुरू कहाँ से हुआ है, न्यूयॉर्क से स्टार्ट हुआ है, मतलब न्यूयॉर्क से इसकी शुरुआत नहीं हुई है, और भी बहुत सारे इलाके इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन आप इसे जुड़ा हुआ अगर देखेंगे तो न्यूयॉर्क, उसके बाद लंदन, ऐसे ही पेरिस, फिर रोम, दिल्ली, अपने देश में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता इसका इसके हिस्से में आते हैं। हांगकांग वाला दायरा है, टोक्यो एयरवेज, सब इसी में जुड़े हुए हैं। मतलब इतना लंबा इसका जो लॉन्गेस्ट एयर ट्रेवल रूट है उसको आप महसूस कर सकते हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एयर रूट इन द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व में सबसे लंबा हवाई यातायात का रास्ता है। इसके बाद जो दूसरा है वो है कॉन्टिनेंटल एयरवेज, इसको भी देख लीजिए। एयरवेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द सेम कॉन्टिनेंट लाइक न्यूयॉर्क, शिकागो एंड मॉन्ट्रियल। यहाँ पर जो डिफरेंट कंट्रीज हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की, उसमें जो विभिन्न एयरवेज हैं उनको देखा गया है, लाइक न्यूयॉर्क, शिकागो और मॉन्ट्रियल, इनका जो आपस में इंटरलिंक है उसको हम यहाँ उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। और देख लीजिए नेशनल एयरवेज को, इट इज़ डिज़ाइन टू एकोमोडेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स विद इन कंट्री, मतलब जो अपने ही देश में लंबी दूरी वाले क्षेत्र होते हैं उनकी यात्रा के लिए इन्हें डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि न्यूयॉर्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को वाला जो रूट है वो इस दायरे में आता है, मतलब नेशनल एयरवेज के दायरे में आता है। यहाँ एग्जाम्पल के साथ इसे समझाया गया है। तो ये जो एयरवेज है ये नेशनल एयरवेज के तौर पर देखा जाता है, और इसमें क्या होता है, देश के अंदर ही जो लंबी दूरी वाले स्थान होते हैं उन्हें आपस में जोड़ने के लिए हवाई मार्ग बनाए जाते हैं। यहाँ तक हमने जो एयर ट्रेवल थी उसको देखा, अब इसके बाद जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसको देख लीजिए। ये सबसे सस्ता तरीका है, इसीलिए जितनी भी माल ढुलाई का काम होता है व्यापार में, जितना भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, माल पहुँचाने और लाने का काम होता है, वो ज़्यादातर जो पानी वाला रास्ता होता है उसी के सहारे होता है, क्योंकि इसमें लागत कम आती है, खर्चा कम लगता है। काम थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन यहाँ पर फास्ट मूविंग जो तरीका है वो महंगा है एयरवेज के द्वारा, इसलिए जो वाटरवे होता है या वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं व्यापार के लिए। इसमें पोर्ट को आप देख लीजिए, बंदरगाहों को। द सी रूट इज़ द ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट मोड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द कंट्री। यहाँ पर जो सी रूट है यानी समुद्री मार्ग है, या नदी का भी मार्ग हो सकता है, लेकिन समुद्र एक बड़ा क्षेत्र है इसलिए उसकी बात की जा रही है, और ज़्यादातर जो ट्रेड होता है वो वहीं से होता है। तो सी रूट इज़ द ईजिएस्ट यानी ये सबसे सरलतम और चीपेस्ट और सबसे सस्ता तरीका होता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। किसी भी देश के लिए अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसको करना है तो उसे समुद्री मार्ग को अपनाना ही पड़ता है, क्योंकि ये सबसे सस्ता और आसान तरीका होता है। इट इज़ कॉज बाई फॉल और पोर्ट विच इज़ कनेक्टेड टू इट्स टेरिटरीज बाई रेलवेज, रोड एंड इंटर टेरेस्ट्रियल वाटरवेज। मतलब इसका जो संबंध होता है वो अलग अलग देशों के पोर्ट से होता है, और जो पोर्ट्स होते हैं वो अंदर वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। मतलब बंदरगाहों को देश के और हिस्सों से जोड़ने के लिए रेलवेज होते हैं, रोड्स होती हैं, इसके अलावा इंटर टेरेस्ट्रियल जो वाटरवेज होते हैं वो भी यहाँ ये काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि समुद्र के किनारे से तटवर्ती जो देश हैं जहाँ पे समुद्र की सीमाएं मिलती हैं, इसीलिए जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ होती है उनके लिए दिक्कतें आती हैं, वहाँ पर ट्रेड करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, उन्हें दूसरे देशों की ज़मीन से होकर अपना आयात निर्यात करना पड़ता है, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन जिन देशों का किनारा कोस्टल एरिया में आता है, तटवर्ती क्षेत्र में आता है और आसपास समुद्र है, उन्हें व्यापार करने में काफ़ी सुविधा होती है, जैसे भारत। तो यहाँ पर जो व्यापारिक क्षेत्र होते हैं वो कौन होते हैं, पोर्ट होते हैं, बंदरगाहों के जरिए ही व्यापार होता है, और उन पोर्ट्स को जो अंदर वाला एरिया है, इनलैंड है उस नेशन का, उससे कनेक्ट करने के लिए अलग अलग जो वेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं, रेलवे हो सकता है, मतलब रेलवेज हो सकते हैं, रेल मार्ग के द्वारा अंदर वाले क्षेत्र में सामान पहुंचाने और वहां तक ले आने का काम किया जाता है। रोड वाला रास्ता हो सकता है, सड़क वहां से अंदर के हिस्सों तक गई हो सकती है और जाती भी है। इसके अलावा जो इंटर टेरेस्ट्रियल वाटरवेज होते हैं वो भी ये काम करते हैं। सम स्पेशल टाइप ऑफ पोर्ट्स आर, अब यहाँ पर
कुछ जो स्पेशल यानी विशेष प्रकार के पोर्ट्स हैं उनका जिक्र किया गया है, उसको देख लेते हैं। जो इंटर पोर्ट्स हैं उनको देख लीजिए। द वर्क ऑफ सेंडिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज डन बाय सच पोर्ट्स। इस टाइप के जो पोर्ट्स होते हैं, इस टाइप के जो बंदरगाह होते हैं, इनके द्वारा गुड्स मतलब जो सामान होता है, मतलब माल होता है, उसे सेंड करने का काम किया जाता है एक देश से दूसरे देश में। एक देश के द्वारा माल को भेजा जाता है, गुड्स को भेजा जाता है दूसरे देश में, तो इस प्रकार के जो पोर्ट्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। द गुड्स कमिंग टू द सी पोर्ट्स आर स्टोर्ड इन बिग वेयर हाउसेस। और जो इन सी पोर्ट्स पर गुड्स आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ देश जो है वो भेजने का ही काम करेगा। जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, मतलब एक्सपोर्ट भी होता है और इम्पोर्ट भी होता है। तो जितना एक्सपोर्ट होगा उसी पैमाने पर इम्पोर्ट भी होगा, अगर किसी देश की इकोनॉमी ठीक ठाक है तो। तो इसलिए यहाँ पर जो आने वाला गुड्स है या जितने भी गुड्स आते हैं, मतलब दूसरे देश के द्वारा भेजे जाते हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं। सिंगापुर, रोटरडम, कोपेनहेगन आर द मेजर इंटरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर कुछ जो इंटरपोर्ट्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि सिंगापुर है, रोटरडम है और कोपेनहेगन है। ये पूरी दुनिया में मेजर के तौर पर देखे जाते हैं, मैंने बड़े तौर पर देखे जाते हैं। इसके बाद और भी है, पोर्ट ऑफ कॉल, इसको देख लीजिए। प्लेसेस लोकेटेड बिटवीन द लॉन्ग सी लेंस, ऐसे स्थान जो कि लॉन्ग सी लेंस के बीच में लोकेट करते हैं, वेयर शिप्स स्टॉप एंड रिसीव फ्यूल, जहाँ पर जो मतलब यहाँ पे जहाज होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, वो रिसीव करते हैं अपने फ्यूल को, वाटर एंड फूड फॉर पैसेंजर्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से ढाबे के तरीके से काम करते हैं, जैसे ढाबे होते हैं आपने जो नेशनल हाईवेज होते हैं उन पे देखा होगा, जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप होते हैं उसके आसपास ढाबे होते हैं। और ये ढाबे क्या करते हैं, भोजन पानी उपलब्ध कराते हैं और पेट्रोल डीजल के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं वो पेट्रोल पंप तक जाती हैं, वहाँ से अपना फ्यूल अरेंज करती हैं, प्राप्त करती हैं। तो वैसे ही ये जो पोर्ट ऑफ कॉल होते हैं, ये जो आने जाने वाले शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, उन पर यात्रा करने वाले पैसेंजर्स के लिए वहाँ पे, मतलब ऐसे स्थानों पर जहाँ पोर्ट ऑफ कॉल बने होते हैं, वहाँ पर वाटर और फूड की अवेलेबिलिटी होती है। और इसके अलावा जो शिप्स होते हैं वो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, रुकते हैं, और साथ में वो अपने फ्यूल को रिसीव करते हैं, मतलब अपना ईंधन प्राप्त करते हैं, और फ्यूल भरने के बाद ये आगे बढ़ जाते हैं। आर कॉल्ड पोर्ट ऑफ कॉल, और इस प्रकार के जो पोर्ट होते हैं इनको पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। अदन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, और अदन का जो पोर्ट है वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है उसको। इसके बाद ऑयल पोर्ट्स भी होते हैं। ऑयल पोर्ट्स जो होते हैं, यहाँ से तेल का यातायात होता है, कैसे होता है तो आइए देख लेते हैं। इन्हें भी दो हिस्सों में बांटा गया है। दो हिस्से कौन कौन से हैं, एक टैंकर पोर्ट होते हैं और दूसरे रिफाइनरी पोर्ट होते हैं। जो टैंकर पोर्ट होते हैं, आइए उनके बारे में पहले देखते हैं। वेयर टैंकर्स हैव मॉडर्न फैसिलिटीज़ फॉर आयल फिलिंग, यहाँ पर जो आयल फिलिंग होती है उसके लिए मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ होती है उनका यूज़ किया जाता है, एंड प्रॉपर ऑयल इम्पटिंग भी होती है, मतलब फिलिंग के साथ साथ जो खाली करने वाला प्रोसेस है वो भी होता है। अब ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कलकत्ता है, इसके अलावा कोची है, तो कोलकाता और कोची इस तरीके के एग्जाम्पल हैं या इस मायने में देखे जाते हैं। ये तो हम बात कर रहे थे जो टैंकर बंदरगाह होते हैं यानी टैंकर पोर्ट होते हैं उनके बारे में, और यहाँ पर जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं उसके द्वारा ऑयल फिलिंग और ऑयल इम्पटिंग का प्रोसेस होता है। रिफाइनरी जो होती है वो क्या है, तो मिनरल ऑयल रिफाइनरीज हैव बीन एस्टेब्लिश इन दीज पोर्ट, जो मिनरल ऑयल की रिफाइनरीज हैं, खनिज तेल के शोधन की जो कार्यशालाएं हैं उनकी स्थापना इन पोर्ट्स पर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो एबंडन पोर्ट है उसको देख लीजिए। कुछ जो बंदरगाह होते हैं, कुछ जो पोर्ट होते हैं वो नेवल पोर्ट होते हैं, कैसे, तो दीज आर स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट पोर्ट, रणनीतिक दृष्टि से ये जो पोर्ट्स होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेवल कॉम्बैट शिप हैव फैसिलिटीज फॉर मूवमेंट एंड मेंटेनेंस, यहाँ पर जो नेवल कॉम्बैट शिप्स होती हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब सुविधाएं होती हैं, वह यहाँ से संचालित की जा सकती हैं और उनका यहाँ पर रख रखाव होता है, मेंटेनेंस होता है। कोची, कारवार एंड विशाखापत्तनम आर सिमिलर पोर्ट्स, ये जो पोर्ट्स हैं जैसे कि कोची का और विशाखापत्तनम का पोर्ट है, ये इस प्रकार के पोर्ट में गिना जाता है, इसे हमने देखा। इस प्रकार से हमने पिछले वाले अध्याय में कुल मिलाकर हाईवेज, वाटरवेज और रेलवेज, इसके अलावा जो वाटरवेज के अलावा जो एयरवेज वाला पोर्शन था उसको भी देखा, मतलब यातायात के अलग अलग साधनों पर हमने डिस्कस किया है, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को देखा है, वहाँ पर वो चैप्टर फिनिश होता है। अब हम पार्ट डी में आ चुके हैं, यहाँ एंटर कर चुके हैं, और इसमें चैप्टर वन का नाम है रेसेस एंड ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, हम पूरे विश्व में फैली हुई जनजातियों को और प्रजातियों को देखने वाले हैं। किस प्रकार की या कितने प्रकार की जनजातियाँ, ये मनुष्य की जाति की बात की जा रही है, मानव जाति की बात की जा रही है,
तो मनुष्य में कितने प्रकार की जनजातियां या कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसको हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। और पार्ट डी का जो चैप्टर वन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसमें हम पहले सबसे पहले जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है उसको देखेंगे। हमने अपनी अर्थ के इवोल्यूशन को देखा है और यूनिवर्स के ओरिजिन को भी देख रखा है। यहाँ पर हम अपना ओरिजिन देखने का प्रयास करेंगे कि हम कहाँ से जनरेट हुए थे। हालांकि इसका कुछ हिंट हमें पहले ही मिल चुका है पिछले वाले जो चैप्टर थे उनसे। यहाँ उसे और डिटेल में देखा जाएगा और इसका क्लासिफिकेशन भी किया जाएगा। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।